हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। इब्ने सफी की नॉवल विकराल छाया। सूर्य के अस्त होते ही पूरे शहर में धुंध छा गई और ठंड के कारण सड़क पर चलने वालों के दांत बचने लगे। हमीद को इसकी आशा नहीं थी कि सर्दी अकस्मात इतनी बढ़ जाएगी। वो दोपहर ही को ऑफिस से निकल भागा था। उसके शरीर पर एक हल्के कपड़े का सूट था और अब वह ठंड को भुलाने के लिए ठीक उसी भाव में अंग्रेजी का एक गीत गुनगुना रहा था, जैसे सर्दी में कुत्ते के पिल्ले बेसुरेपन से च्याव म्याव करते हैं। और मजा तो यह था कि वह घर भी जाना नहीं चाहता था। वास्तव में वह एक सुंदर औरत का पीछा कर रहा था। लड़की की कार आगे थी और हामिद की टैक्सी पीछे। वह टैक्सी में बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर उस स्त्री में ऐसी कौन सी विशेषता थी जिससे उसे उसका पीछा करने पर विवश कर दिया था। हामिद कई दिन से उस स्त्री का पीछा कर रहा था, किंतु अभी तक ऐसा अवसर नहीं आता आया था कि जिसे लाभ उठाकर वह उसका परिचय प्राप्त कर सकता। बस वह स्त्री प्रतिदिन उसे कहीं न कहीं दिखाई दे जाती और उसका पीछा करने लगता था। हमीद को अपनी इस मूर्खता पर क्रोध भी आता था, किंतु फिर भी वह पीछा करता रहता। अचानक अगली मोटर पर एक झटके के साथ घूमी और उस सड़क पर फर्राटे भरने लगी जो नियाग्रा होटल की ओर जाती थी। हमीद सोचने लगा कि अगर वह नियाग्रा होटल ही जा रही है तो उसका संबंध अवश्य किसी दौलतमंद घराने से होगा। थोड़ी देर के बाद अगली कार नियाग्रा होटल के कंपाउंड में प्रवेश कर रही थी। हमीद ने अपनी टैक्सी बाहर ही रुकवा दी। यद्यपि हमीद इस होटल में अनेकों बार आ चुका था, मगर इस समय वह स्त्री कुछ इस प्रकार उसके मस्तिष्क पर छाई हुई थी कि उसे यहाँ के नियम भी भूल गए थे। स्त्री डाइनिंग हॉल में पहुंच चुकी थी। उसके बाद हमीद ने भी अंदर घुसना चाहा, किंतु बाहर खड़े हुए बिल कैप्टन ने उसे रुकने का संकेत करते हुए एक नोटिस बोर्ड की ओर उंगली उठाई। बोर्ड पर लिखा था, संध्या के मनोरंजन के लिए इवनिंग सूट में आना आवश्यक था। मैं ड्यूटी पर हूँ, समझे, हमीद झल्लाकर बोला। मैं भी ड्यूटी पर ही हूँ हुजूर, बिल कैप्टन ने कहा। मेरा कार्ड मैनेजर तक पहुंचा दो, हमीद उसे घूर कर बोला। ये हो सकता है, बिल कैप्टन ने मुस्कुराकर कहा। फिर एक बिल बॉय को बुलाकर उससे कहा, साहब का कार्ड मैनेजर साहब तक पहुंचा दो। हमीद ने कार्ड निकालकर उसे दे दिया। थोड़ी देर के बाद मैनेजर स्वयं द्वार पर उपस्थित था। ओ कप्तान साहब, मुझे दुख है, मैनेजर बोला। बिल कैप्टन का कोई दोष नहीं है और आप भी यहाँ के लिए नए नहीं है। ठीक है, हमीद बोला, मैं एक आदमी की निगरानी कर रहा हूँ और सहयोग से मेरे विभाग का कानून किसी भी सूट की परवाह नहीं करता। क्या कोई खास बात है, मैनेजर व्याकुल होकर बोला। आज यहाँ कर्नल साहब भी उपस्थित है। कौन, हमीद चौंक कर बोला। क्या फरीदी? जी हाँ, मैनेजर बीच ही में बोल पड़ा। वो सदैव किसी खास काम के लिए ही आते हैं। हमीद बौखला गया क्योंकि उसने मैनेजर से बिल्कुल झूठी बात कही थी। वो सोचने लगा कि अगर फरीदी को इस झूठ का पता चल गया तो विपत्ति आ जाएगी, और दूसरी विपत्ति ये थी कि मैनेजर से इस प्रकार की बात करने के बाद वो वापस भी नहीं जा सकता था। आप अंदर चल सकते हैं, मगर आपको कर्नल साहब की ही मेज पर बैठना होगा क्योंकि सब मेजें भरी हुई है और वह अपनी मेज पर अकेले है। हमीद की बौखलाहट और बढ़ गई। बहुत अच्छा, वह जल्दी से बोला। अंदर पहुंचने पर एक वेटर हमीद को फरीदी की मेज तक ले गया। फरीदी के सामने कॉफी की ट्रे रखी हुई थी और वह कुर्सी पर टेक लगाए सिगार पी रहा था। उसने हमीद को घूर कर देखा। हमीद जल्दी से बैठता हुआ बोला, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, मैंने सुना था तुम इस सूट में यहाँ कैसे? फरीदी ने उसकी बात काट कर पूछा। ओह, मेरे लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं महान व्यक्ति हूँ। फरीदी कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रहा। हमीद ने थोड़ी देर के बाद कहा, मैं विस्की पीऊंगा, आज मैंने ऐसे जूते पहन रखे हैं जिन्हें उतारने में अधिक देर नहीं लगेगी। क्या बगल में दबाकर भागने का इरादा है? हमीद ने ढिठाई से पूछा। फरीदी कुछ नहीं बोला, उसने प्याली में कॉफी उंडेली और उसमें दूध डाले बिना चीनी मिलाने लगा। हमीद उसकी ओर से नजर हटाकर चारों ओर देखने लगा, मगर वह औरत उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ी। आप यहाँ कैसे आए हैं? हमीद ने फरीदी से पूछा। जैसे तुम आए हो। क्या मतलब? हमीद चौंक पड़ा। मतलब यह है कि मैं भी उसी स्त्री के लिए यहाँ आया हूँ जिसका पीछा करते हुए तुम यहाँ तक आए हो। क्या? हमीद बौखला गया। क्या आप सचमुच जादूगर हैं? नहीं, लेकिन मेरा अनुभव तुमसे अधिक है। इस बात का अनुमान मैंने तुम्हारे सूट से लगाया है। सूट से? भला वो किस प्रकार? अगर तुम घर ही से यहाँ आने का इरादा करके चले होते तो इवनिंग सूट पहनकर आते, क्योंकि तुम यहाँ का नियम जानते हो।
मगर तुमने शायद उसे कहीं मार्ग में देख लिया और अपनी गंदी प्रकृति से विवश होकर उसके पीछे लग गए, है ना यही बात? हमीद कुछ नहीं बोला। फरीदी ने सिगार सुलगाते हुए फिर कहा, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो है कौन? ये आप किस प्रकार कह सकते हैं? तुम्हारे इस सूट ही के आधार पर। तुम उसे जानते होते तब भी इस सूट में इस समय यहाँ कभी ना आते। तुम्हारे शरीर पर इवनिंग सूट होता। मैं नहीं समझा। अभी समझ जाओगे, फरीदी मुस्कुराकर बोला। खैर वो तो मैं समझ ही लूंगा, हमीद ने व्यंग करते हुए कहा। लेकिन यह आपने कब से औरत के पीछे दौड़ना आरंभ कर दिया है? इसका उत्तर यह है कि मुझे भी कुछ औरतें दिलचस्पी लेने पर विवश कर देती है। अच्छा, हमीद चकित होकर बोला, तो वो औरत उन्हीं कुछ औरतों में से है? हाँ, बल्कि उससे भी अधिक। तब तो आप इस बारे में अब मुझे किसी प्रकार से बुरा नहीं कह सकते, हमीद चहक कर बोला। क्यों? इसलिए कि जब ऐसा पाषाण हृदय वाला व्यक्ति औरतों के पीछे होटलों के चक्कर काट सकता है तो ये रसिया भला कब चुकने वाला है? फरीदी केवल मुस्कुरा कर रह गया। सहसा ऑर्केस्ट्रा की मधुर ध्वनि गूंज उठी और हमीद को याद आ गया कि आज तो नियाग्रा में एक स्पेशल प्रोग्राम है। उसने प्रातःकाल के समाचार पत्र में नियाग्रा होटल के आज के प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था। इटली की सुप्रसिद्ध नर्तकी ग्रेटा अपनी कला स्टेज पर प्रस्तुत करने वाली थी। हमीद की दृष्टि स्टेज की ओर उठी। स्टेज का झिलमिलाता हुआ पर्दा बीच से दो भागों में विभाजित होकर धीरे धीरे दाहिने बाएं सरक रहा था और हमीद की बौखलाहट उस समय सचमुच पागलपन तक की हद तक पहुंच गई जब उसने उसी स्त्री को स्टेज पर खड़े देखा जिसका पीछा करता हुआ वो यहां तक आया था। इस समय वह ऐसे वस्त्र में थी कि उसका सारा कोमल शरीर झलक रहा था। हमीद ने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। क्यों? फरीदी बोला, मैंने कहा था ना कि तुम उस औरत को नहीं जानते। मुझे आश्चर्य है कि यही ग्रेटा है, मैं तो इसे हिंदुस्तानी औरत समझे हुए था, हमीद ने घृणात्मक स्वर में कहा। अच्छा, अब मैं चला। क्यों, बैठो, फरीदी बोला। आप मुझसे शपथ ले लीजिए जो मैं इसकी टांगे देखने के अभिलाषा से आया हूँ, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। इस प्रकार का नंगा नृत्य देखकर मेरा दिल मचलाने लगता है और फिर यह पश्चिमी नृत्य, तोबा तोबा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई भेड़ा हवा से लड़ रहा हो। फरीदी कुछ नहीं बोला। वह नृत्य देखने की बजाय हॉल की मेजों का निरीक्षण कर रहा था। दूसरे लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया था और इतनी लगन के साथ स्टेज पर थिरकते हुए अर्धनग्न शरीर को देख रहे थे मानो पैदा होने के बाद से अब तक इसी की प्रतिज्ञा करते रहे हो। ग्रेटा नाचते नाचते स्टेज से हॉल के फर्श पर उतर आई। उसने एक इटालियन गीत भी आरंभ कर दी थी। वह नाचते नाचते किसी मेज के पास रुककर लोगों को छेड़ती और फिर नाचती हुई दूसरी ओर घूम जाती। उसके हाथ में एक रेशमी रुमाल था जिसे वह तमाशा देखने वालों के चेहरे पर लहराती जाती थी। अगर वह इधर आ गई तो क्या होगा, हमीद बड़बड़ा उठा। बुखार क्यों चढ़ रहा है, फरीदी बोला। मुझे आपकी चिंता है, मेरा बुखार तो अब काफी पुराना हो चुका है। मेरी चिंता मत करो, मैं प्रतिदिन 250 दंड और 500 बैठकें लगाता हूँ। दूसरे, मैं भाजी खाने वाला नहीं बल्कि मांसाहारी हूँ। इधर ही आ रही है, हमीद व्यग्र होठा। अपनी नाक पर रुमाल रख लो, फरीदी ने हमीद से कहा और स्वयं भी जेब से रुमाल निकालकर इस प्रकार नाक पर रख लिया कि होठ तक चिप गए। हमीद के लिए यह परामर्श हास्यास्पद तो अवश्य था किंतु जब फरीदी ने स्वयं अपनी नाक पर रुमाल रख लिया तो उसे भी रुमाल रखना पड़ा। ग्रेटा इन दोनों के चेहरों पर भी अपना रेशमी रुमाल लहराती हुई चली गई। क्या बदबूदार थी, हमीद के मुंह से रुमाल हटाकर कहा। फरीदी मुस्कुरा उठा मगर बोला कुछ नहीं। ग्रेटा दूर निकल गई। फरीदी ने भी अपनी नाक पर से रुमाल हटा लिया और ग्रेटा की ओर देखने लगा। आखिर ये क्या बात है, हमीद ने पूछा। कैसी बात, क्या ग्रेटा के सौंदर्य ने आपको प्रभावित किया है? अगर मैं सौंदर्य की वास्तविकता को न जानता होता तो तुम ये कह सकते थे। सौंदर्य की वास्तविकता? मैं नहीं समझा कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम किसी ऐसी औरत को पसंद करोगे जिसकी गर्दन 1 फीट लंबी हो? तो क्या आप मुझे किसी ऊटनी से प्रेम करने के लिए बाध्य करेंगे? तुम्हारी बात का यह अर्थ हुआ कि तुम ऐसी औरत को पसंद नहीं करोगे, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। है ना, मगर संसार में एक जाति ऐसी भी है जिसके लोगों की दृष्टि में सबसे सुंदर स्त्री वही है जिसकी गर्दन सबसे लंबी हो। इसीलिए उस जाति वाले अपनी लड़कियों की गर्दनें बचपन ही से बढ़ाने का प्रयत्न करने लगते हैं और फलस्वरूप उस जाति की स्त्रियों की गर्दनें 1-1 फीट लंबी हो जाती है। संसार में एक जाति ऐसी भी है जिसकी दृष्टि में सौंदर्य चिपटी नाक पर निर्भर है। क्या तुम किसी नकचिपटी स्त्री को पसंद करोगे?
आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि सौंदर्य केवल बकवास है, न कोई सुंदर है न कोई कुरूप। जिस वस्तु की कोई सीमा ही नहीं नियत हो, उसका वर्णन ही मैं बेकार समझता हूँ। आपका तर्क है तो जोरदार, मगर इस प्रकार तो नहीं लिया जा सकता। तो क्या मैं मर गया हूँ? हाँ, जिसकी अनुभूति या सौंदर्य को कोई स्थान नहीं दे सकती, उसे तो मैं मुर्दा ही समझता हूँ, हमीद बोला। फरीदी खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगर तुम्हारे तर्क को सत्य मान लिया जाए, तब भी मैं मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आयरडियल टेरियर कुतिया के पिल्ले बड़े सुंदर मालूम होते हैं, और मैं उन्हें घंटों अपलक देखता रहता हूँ। हमीद इस तर्क वितर्क से घबराकर ग्रेटा को देखने लगा, जो अब स्टेज पर वापस चली गई थी और स्टेज के पर्दे के दोनों भाग धीरे धीरे आपस में मिल जाने के लिए खिसक रहे थे। दूसरे ही पल ऑर्केस्ट्रा शांत हो गया और हाल तालियों से गूंज उठा। आपने बेकार बातों में उलझा रखा और असली बात न बता के, हमीद ने कहा। आंख पर रुमाल रखने का क्या अर्थ था? हमीद साहेब, ये एक लंबी कहानी है, अगर अभी न पूछिए तो अच्छा है। नहीं पूछूंगा, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। तुम जानते हो कि होटलों में बैठकर समय नष्ट करना मुझे पसंद नहीं। मुझे कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं, हमीद उसी ताव में बोला। कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें ग्रेटा से दूर रहने का ही परामर्श दूंगा। क्या वह सचमुच बहुत बदबूदार है? मैं इस समय बिल्कुल गंभीर हूँ हमीद साहब। आखिर आप उस बेचारे के पीछे क्यों पड़ गए हैं? संभव है कि कल तक इस समस्या पर प्रकाश डालने योग्य मैं हो सकूं, फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला। कैसी समस्या? कल ही बताऊंगा, आज की रात कुछ और मालूम होने की संभावना है। थोड़ी देर के बाद फिर ऑर्केस्ट्रा बजने लगा। पर्दा हटा और इस बार ग्रेटा जब स्टेज पर आई तो उसके शरीर पर पहले से भी कम कपड़े थे। नृत्य आरंभ हो गया। इस बार न तो ग्रेटा ने कोई गीत ही छेड़ा और न स्टेज से नीचे उतरी। नृत्य भी अपने ढंग का निराला था। कदाचित ग्रेटा ने कोई नवीनता उत्पन्न की थी। लोग अपलक ग्रेटा के थिरकते हुए शरीर को देख रहे थे कि सहसा एक आदमी बौखलाकर अपनी कुर्सी से उठा और मेज उलट गई। लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। वह व्यक्ति पागलों के समान द्वार की ओर भाग रहा था। लोगों ने बड़े आश्चर्य के साथ उसे भागते हुए देखा, मगर अपने स्थान से हिले नहीं और पुनः नृत्य देखने में लीन हो गए। उस आदमी को भागते हुए देखकर होटल के कर्मचारी घबरा उठे। फरीदी बड़ी तेजी से अपनी कुर्सी से उठा और हमीद को अपने पीछे आने का संकेत करता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। हॉल से उठकर भागने लगा, गैरेज की ओर भागा जा रहा था। गैरेज के समीप पहुंचकर उसने अपने ड्राइवर को आवाज दी। फरीदी ने भी गैरेज से अपनी कैडिलाक निकाली और उस भागने वाले की कार का पीछा करने लगा। सड़क सुनसान पड़ी थी। नियाग्रा होटल वास्तव में शहर के बाहर एक सुहावने स्थान पर स्थित था, इसलिए सड़क पर ट्रैफिक की पंक्तियां नहीं लगने पाती थी। मगर हमीद को इस पीछा करने का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों कारों के मध्य में केवल 10 गज से अधिक फासला नहीं था। अचानक फरीदी ने एक भयानक चीख सुनी और साथ ही अगली कार रुक गई। अगर फरीदी ने पूरे ब्रेक न लगाए होते तो कैडिलाक अवश्य अगली कार से टकरा जाती थी। फरीदी नीचे उतर कर अगली कार की ओर झपटा। अगली कार का ड्राइवर भी बौखला कर कार से कूद पड़ा और फिर वह चिल्ला उठा, अरे ये साहेब को क्या हो गया? हमीद भी कैडिलाक से नीचे उतर आया। फरीदी ने टॉर्च जलाकर अगली कार के अंदर देखा। उसकी पिछली सीट पर उसी आदमी की लाश पड़ी हुई थी जो होटल से निकलकर भागा था। यह अधेड़ अवस्था का एक सुंदर तथा स्वस्थ पुरुष था। उसके चौड़े ललाट को देखकर अनुमान होता था कि उसके अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए होंगे। ड्राइवर पास ही खड़ा थरथर कांप रहा था। वो जब भी बोलने की चेष्टा करता उसकी जबान लड़खड़ा जाती। फरीदी टॉर्च के प्रकाश में विशेष रूप से मरने वाले के नखों का परीक्षण कर रहा था, जो उंगलियों का मांस छोड़कर लगभग 1/4 इंच ऊपर उठ गए थे। हाथों और पैरों के सारे नखों की वही दशा थी। ओह, ये नखों वाली बीमारी, हमीद ने कहा और इस प्रकार घबराकर पीछे हटा जैसे उसे भी इस बीमारी के लग जाने की संभावना हो। अरे बाप रे बाप, ये नखों वाली बीमारी, ड्राइवर भयभीत होकर बोला। डरो नहीं, यह छूत की बीमारी नहीं है, फरीदी बोला। यह लाश सीधे अस्पताल जाएगी। घर वाले, ड्राइवर हकलाया, चिंता मत करो, इसका आरोप तुम पर नहीं लगेगा, हमारा संबंध पुलिस से है। मगर साहेब, हमारे बाल बच्चे, ड्राइवर फिर डर कर बोला। डरो मत, कह दिया ना कि यह छूत की बीमारी नहीं है, फरीदी बोला, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। विवश होकर ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा। फरीदी और हमीद भी कैडिलाक में बैठ गए और दोनों कारें चल पड़ी। शहर में यह आज 5वां केस था। इससे पहले इसी प्रकार की 4 मौतें और भी हो चुकी थी।
जिस आदमी को ये बीमारी होती थी वो सबसे पहले अपने नखों की जड़ों में एक मंद सी जलन महसूस करते थे, फिर ये जलन एक अत्यंत ही कष्टदायक पीड़ा में परिवर्तित हो जाती थी और उसके बाद नख उंगलियों का मांस छोड़कर ऊपर उठना आरंभ करते थे और फिर देखते ही देखते आदमी मर जाता था। इस नई और विचित्र बीमारी के प्रति यहाँ की मेडिकल सोसाइटी ने निरीक्षण का काम आरंभ कर दिया था, किंतु अभी तक किसी परिणाम पर नहीं पहुंची थी। यद्यपि इस नई बीमारी का प्रभाव अभी तक इसी शहर में था और यही के लोग इस बीमारी से मरे भी थे, किंतु सारे देश में इस बीमारी का नाम सुनकर आतंक छा गया था। हमीद इस समय इस प्रकार मौन था, मानो उसने यमराज की सूरत देख ली हो। क्या आप इसलिए, वो थोड़ी देर के बाद बोला, किंतु वाक्य पूरा होने से पहले ही उसके जबान भय के कारण रुक गई। हाँ, मेरा आज रात का अनुभव सफल रहा। आपका अनुभव? हमीद चकित होकर बोला, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे अनुभव का यह अर्थ नहीं कि यह आदमी मेरे अनुभव का शिकार हुआ है। फिर इसी बीमारी के कारण जो चार आदमी मर चुके हैं उसे तुम जानते ही होंगे। हाँ, लेकिन सुनते जाओ, फरीदी बोला। इस बीमारी के कारण जो आदमी सबसे पहले मरा था वह एक टी पार्टी में मरा था और ग्रेटा वहां उपस्थित थी। तो क्या आप बीच में मत बोलो। हाँ, मैं इसे कोई ईश्वरी कोप नहीं समझता हूँ और न कोई ऐसी बीमारी समझता हूँ जो प्राकृतिक दशा के अंतर्गत आई हो। दूसरा आदमी एक मीटिंग में इस बीमारी का शिकार हुआ, ग्रेटा वहां भी थी। तीसरा आदमी सागर के किनारे इसी बीमारी से मरा, जो अपने साथियों के साथ पिकनिक पर गया हुआ था, उस पार्टी में भी ग्रेटा थी। चौथा आदमी होटल डी फ्रांस में मरा था और ग्रेटा ने ही उसे अपनी कार में अस्पताल तक पहुंचाया था। और ये पांचवा आदमी तुमने अपनी आंखों से देखा है, तो क्या ग्रेटा ही इसकी उत्तरदायी है? मैं ये तो नहीं कहा। मेरे कहने का तो यह अर्थ था कि ग्रेटा मरने वालों के समीप किसी न किसी रूप में अवश्य रही है। संभव है ये संयोग ही हो। अभी तक तो इस विचित्र बीमारी का कारण न मालूम हो सका। हाँ, लेकिन आशा है कि अब शीघ्र ही मालूम हो जाएगा। इससे पहले वाली लाशें देर में अनुभवशाला तक पहुंची थी और इसे मैं सीधे वही ले जा रहा हूँ। कुछ विष इस प्रकार के भी होते हैं जो पोस्टमार्टम में देर हो जाने के कारण अपना निशान नहीं मिलने देते। विष? हमीद चकित होकर बोला। हाँ, संभव है कि यह किसी प्रकार के विष का ही प्रभाव हो। आपने यहाँ नाक पर रुमाल क्यों रख लिया था? केवल ये देखने के लिए कि ग्रेटा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो फिर आपने क्या देखा? कुछ भी नहीं, वो मुझे नाक पर रुमाल रखते देखकर बड़ी तेजी से दूसरी ओर मुड़ गई थी। क्या आप इसे मरने वालों को जानते हैं? सूरज शक्ल से भी कोई सभ्य ही मालूम होता है। सभ्य और प्रतिष्ठित दोनों। एक महान पुरुष आज हम लोगों से अलग हो गया। यह देश का एक बड़ा वैज्ञानिक डॉक्टर शारदा था, एटमी परीक्षण कमेटी का प्रधान। ओह, हमीद अफसोस के साथ हाथ मलने लगा। और इससे पहले मरने वाले उन चारों को याद करो। उनमें एक सफल इंजीनियर था जिसने हाल ही में एक ऐसा पावर हाउस स्थापित करने की स्कीम बनाने का कार्य आरंभ किया था जिससे एक पूरे प्रांत के लिए बिजली पैदा की जाती। दूसरा एक फौजी अफसर था जो युद्ध कला में निपुण था। तीसरा मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का सबसे बुद्धिमान आदमी था और चौथा कीटाणु का विशेषज्ञ। मैंने आज तक इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, हमीद धीरे से बोला। केवल इसी वस्तु ने मेरे हृदय में यह संदेह उत्पन्न किया कि संभव है कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अगर मरने वालों में एक भी साधारण पुरुष होता तो मुझे भी इसकी चिंता न होती और मैं भी इस बीमारी को दैविक प्रकोप ही समझ लेता। तो आप कई दिनों से इस चक्कर में हैं? हाँ, लेकिन मैंने अब तक ग्रेटा ही के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। हमीद कुछ कहने ही वाला था कि अगली कार सिविल अस्पताल के कंपाउंड में दाखिल हो गई। सिविल अस्पताल का इंचार्ज स्वयं भी इस बीमारी से संबंधित परीक्षण कमेटी का एक सदस्य था। अंततः उसने तत्काल ही लाश को अनुभवशाला में पहुंचकर कमेटी के दूसरे सदस्यों को फोन करना आरंभ कर दिया। फरीदी वहां नहीं ठहरा, वह हमीद को लेकर फिर नियाग्रा होटल चला आया। यहाँ के वातावरण में परिवर्तन हो गया था, नृत्य समाप्त हो चुका था। फरीदी और हमीद होटल के मैनेजर के कमरे की ओर चले। मैनेजर ने बड़ी व्याकुलता से उनका स्वागत किया। मुझे कुछ पूछना नहीं चाहिए, मैनेजर ने हमीद की ओर देखते हुए कहा। क्या आप लोग डॉक्टर शारदा की निगरानी कर रहे थे? लेकिन उनका इस प्रकार उठकर भागना मेरी समझ में नहीं आया। फरीदी कुछ क्षण तक मैनेजर के चेहरे को ध्यान से देखता रहा, फिर बोला, डॉक्टर शारदा मर गए। क्या? मैनेजर उछल कर खड़ा हो गया। फरीदी ने उसे बैठने का संकेत करते हुए कहा, पहले उनके नखों में जलन हुई, फिर वो असह्य वेदना में परिवर्तित हो गई।
नखों की बीमारी? मैनेजर कांपता हुआ बोला, यहाँ मेरे होटल में? मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि उनकी मेज पर क्या क्या था। फरीदी बोला, ओह मुझे दुख है, सफाई के बाद सब कुछ फिकवा दिया गया, लेकिन उस मेज का वेटर वस्तुओं के संबंध में तो बता ही सकेगा। अवश्य अवश्य, मैनेजर ने मेज पर रखी हुई घंटी दबाते हुए कहा, मैं उसे बुलवा रहा हूँ। फरीदी ने फिर ग्रेटा की बात छेड़ दी। ग्रेटा बड़ी अच्छी नर्तकी है, फरीदी बोला, मेरा विचार है उसके प्रोग्राम काफी दिनों तक यह होते रहेंगे। जी नहीं, केवल 3 प्रोग्रामों का कॉन्ट्रैक्ट है, आज पहला प्रोग्राम था। मगर मेरा विचार है कि अब वह इतनी अच्छी नर्तकी भी नहीं है कि नियाग्रा जैसे शानदार होटल के लिए उचित हो। क्या किसी ने उसकी सिफारिश की थी? जी हाँ, बस यही समझ लीजिए, मैनेजर बोला, डॉक्टर शारदा महान व्यक्ति था। फरीदी ने बात बदल दी, जी हाँ मुझे अत्यंत दुख है, कदाचित ये होटल भी अब बदनाम हो जाए। होटल डी फ्रांस की मिसाल मेरे सामने है, कदाचित डॉक्टर शारदा आपके पुराने ग्राहक थे। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हमने उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया था। क्यों, क्या ग्रेटा से उन्हें काफी दिलचस्पी थी? पता नहीं। फिर बात यह है कि ऐसे अवसर पर हम अपने पुराने तथा स्थायी ग्राहकों को विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं, यह हमारा पुरातन नियम है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि ग्रेटा अत्यंत सुंदर है, फरीदी बोला। जी हाँ, इटालियन स्त्रियां प्रायः बड़ी सुंदर होती है। जिसने यहाँ के प्रोग्रामों के लिए ग्रेटा की सिफारिश की होगी वो वास्तव में बड़ा ही भाग्यशाली होगा। क्यों, मैं नहीं समझा, मैनेजर बोला। ये भी कोई पूछने की बात है, फरीदी मुस्कुराकर बोला। ये जाहिर है कि वह ग्रेटा के बहुत ही समीप होगा, मुझे तो उसके भाग्य पर। अगर आप सिफारिश करने वाले को जानते होते तो कभी ऐसा न कहते, मैनेजर ने फरीदी की बात काटते हुए कहा। ओह तो क्या वो कोई स्त्री है? जी नहीं, एक अत्यंत शुष्क प्रकृति का आदमी है। क्या आप प्रोफेसर राग को जानते हैं? कौन, वही जर्मन? हाँ, उसे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ग्रेटा की सिफारिश उसी ने की थी। मुझे अत्यंत आश्चर्य है, फरीदी ने कहा। फिर थोड़ी देर के रुक कर बोला, क्या आपका उससे निजी संबंध है? जी हाँ, मैं विद्वानों का आदर करता हूँ और वैज्ञानिकों से तो मुझे हार्दिक प्रेम है। होना भी यही चाहिए, फरीदी मुस्कुराकर बोला, आप स्वयं भी तो काफी पढ़े लिखे हैं। अरे कहाँ साहब, अभी तो विद्या के सागर की एक बूंद भी मेरे अधरों तक नहीं पहुंची। ये आपकी महानता है जो अगाध पंडित होते हुए भी आप अपने को तुच्छ समझ रहे हैं, फरीदी मुस्कुराकर बोला। मगर आपके प्रोफेसर का राग की सिफारिश पर आश्चर्य तो अवश्य हुआ होगा। क्यों नहीं, लेकिन मैंने इस संबंध में उनसे कुछ पूछना उचित नहीं समझा। ग्रेटा वैसे भी जनता में पसंद की जा रही थी, संभव था कि कुछ दिनों बाद मैं स्वयं उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता। हो यह सब तो ठीक है, मगर डॉक्टर शारदा की मृत्यु? कर्नल साहब मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ उचित परामर्श दीजिए। हमारा होटल अवश्य बदनाम हो जाएगा और संभव है कि होटल डी फ्रांस के समान यहाँ भी उल्लू बोलने लगे। मुझे भी दुख है कि यह दुर्घटना नियाग्रा होटल में हुई, फरीदी बोला। क्या यह संभव नहीं नियाग्रा का नाम ही न लिया जाए, मैनेजर ने पूछा। ये कैसे हो सकता है, अगर आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आप ही सोचिए कि अगर नियाग्रा की बदनामी हुई तो परिणाम क्या होगा। मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी हानि होगी, लेकिन विवशता है, अगर मामला केवल उसके ड्राइवर तक ही होता तो किसी प्रकार बात छिपाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर शारदा को उठकर भागते हुए पूरे होटल के लोगों ने देखा था। अब आप ही सोचिए कि भला किस किस की जबान बंद की जा सकती है। तो फिर मैं क्या करूँ, मैनेजर दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। इतने में वो वेटर आ गया जिसके बुलाने के लिए मैनेजर ने घंटी बजाई थी। फरीदी ने उसे एक नजर देखा और उसके बाद उससे पूछा, डॉक्टर शारदा की मेज पर तुम थे? जी हाँ। उनकी मेज पर क्या क्या था? केवल विस्की और सोडा। कुछ और? जी नहीं, केवल यही। खुली हुई बोतल से लाए थे? जी नहीं, वो कभी खुली हुई बोतल से नहीं लेते थे, सदैव नई बोतल से लेते हैं और बोतल अपने हाथ से खोलते हैं। सोडा तुमने खोला था? जी नहीं, उस मेज पर साइफन था। केवल एक मिनट, मैनेजर बीच में बोल उठा, यहाँ मैं आपको ये बता देना आवश्यक समझता हूँ कि साइफन केवल उन्हीं लोगों की मेजों पर रखा जाता है जो पूरी बोतल खरीदते हैं। ओह, फरीदी ने कहा और फिर उस वेटर से पूछा, क्या तुम वह साइफन तलाश कर सकोगे? साइफन कॉक खोलने वाले औजार को कहते हैं। हुजूर वह तो टूट गया था, मेज उलट गई थी ना, वेटर बोला। मगर हुजूर मैंने इससे पहले डॉक्टर साहब को इतने नशे में नहीं देखा था। साइफन टूट गया, फरीदी ने मैनेजर की ओर देखकर पूछा।
जी हाँ, बात यह है कि हमारे साइफन अधिक दबे शीशों के नहीं है, मैनेजर ने उत्तर दिया। तब तो बोतल और गिलास भी टूट गए होंगे। जी हाँ, वेटर बोला। अच्छा, अब तुम जा सकते हो। वेटर चला गया। अचानक मैनेजर का मुख पीला पड़ गया। वह कुछ सोच रहा था। उसकी निगाहें किसी दूसरी ओर थी और फरीदी उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक मैनेजर फरीदी की ओर मुड़ा और उससे आंख मिलाते ही झिझक पड़ा। फरीदी की निगाहें उसे अपने शरीर के अंदर चुभती हुई मालूम पड़ रही थी। आप साइफन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, मैनेजर ने पूछा। संभव है कि उस सोडे में ही कीटाणु रहे हो। सोडे में कीटाणु, मैनेजर ने चकित होकर पूछा। जी हाँ, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? इसलिए कि सोडा तो बड़ी तेज वस्तु है, भला उसमें कीटाणु कैसे जीवित रह सकते हैं? चूंकि आप कीटाणुओं के बारे में विशेष जानकारी नहीं रखते, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बहुत से कीटाणु ऐसे हैं जो आग के अतिरिक्त और किसी वस्तु से नहीं मरते, फरीदी ने कहा और फिर हमीद के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, आओ चले। सहसा उसी समय एक आदमी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और हमीद को ऐसा लगा मानो फरीदी ने उठने का विचार छोड़ दिया हो। हमीद ने आने वाले को घूर कर देखा। यह एक नाटेकत का विदेशी था। गाल पिचके हुए, नासिका पतली और तोते के चोंच के समान अधरों पर झुकी हुई थी। गालों की हड्डियां इतनी उभरी हुई थी कि उसका चेहरा भत्ता हो गया था। छोटी छोटी चमकीली आंखों के नीचे घड़े पड़े हुए थे। यद्यपि उसने सूट पहन रखा था, किंतु वो बहुत पुराना और गंदा था। मालूम होता था मानो महीनों से उस पर प्रेसिंग नहीं हुई हो। गले में टाई नहीं थी। मैनेजर उसे देखकर खड़ा हो गया, मगर फरीदी और हमीद बैठे रहे। मेरी पुस्तकें, आने वाले ने अंग्रेजी में कहा। उसका स्वर बड़ा शुष्क स्वर था। क्षमा कीजिए ग्राहक, मैं भिजवाना भूल गए थे, उसने वाक्य पूरा करते हुए कहा। बेकार शब्दों का प्रयोग करके समय नष्ट न किया करो। पुस्तकें, ओ ही, मैनेजर ने हंसते हुए अपनी कुर्सी खिसकाई और पीछे रखी हुई अलमारी खोलकर तीन पुस्तकें निकाली और उन्हें राग की ओर बढ़ा दिया। राग ने पुस्तकें ले ली और बड़ी तेजी से दरवाजे की ओर घूम गया। मैनेजर कुर्सी पर बैठकर हंसता हुआ बोला, देखा कर्नल साहब आपने, वैज्ञानिक लोग बातचीत भी संक्षेप में ही करना चाहते हैं। यही प्रोफेसर रॉक था ना, फरीदी ने मैनेजर से पूछा। जी हाँ, फरीदी मुस्कुराता हुआ उड़ गया और मैनेजर से हाथ मिलाकर कमरे से निकल गया। मैं तो ठंड के मारे रास्ते में ही मर जाऊंगा, बाहर निकलने के बाद हमीद ने कहा। मेरा अलस्टर कैडिलाक में है, पहन लो, फरीदी बोला। फिर कुछ देर रुककर कहने लगा, तुमने रॉक को देखा? जी हाँ, बड़ी अच्छी तरह। क्या इस प्रकार के आदमी स्त्रियों में दिलचस्पी ले सकते हैं? आपके अतिरिक्त और हर प्रकार का आदमी औरतों में दिलचस्पी ले सकता है, लेकिन अब यहाँ से भागिए, नहीं तो अगर हमारे नाखून भी खड़े हो गए तो विपत्ति आ जाएगी। वो कैडिलैक में बैठने ही वाले थे कि किसी ने पीछे से फरीदी के कंधे पर हाथ रख दिया। फरीदी चौंक कर मुड़ा। प्रोफेसर राग उसके सामने खड़ा बड़े विचित्र ढंग से मुस्कुरा रहा था। कदाचित आप मेरे संबंध में बातें कर रहे थे, उसने कहा। हाँ प्रोफेसर, मैं तुम्हारे भाग्य की सराहना कर रहा था, फरीदी भी मुस्कुराने लगा। क्यों? इसलिए कि ग्रेटा ऐसी सुंदर स्त्री तुम्हारी मित्र है। कौन ग्रेटा? मैं किसी ग्रेटा को नहीं जानता। अरे वही ग्रेटा जिसका यहाँ आज प्रोग्राम था। ओ, लेकिन वो मेरी मित्र तो नहीं है? तो फिर हमें भ्रम हुआ होगा। संभव है मैनेजर ने किसी दूसरे का नाम लिया हो। सुनो, रॉग झुंझलाकर बोला, मुझे तुम सबसे घृणा है। तुम लोग जो अपनी खोपड़ियों में चूहियों का सा मस्तिष्क रखते हो, मुझे नहीं समझ सकते। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, फरीदी बोला। तुम लोग मुझ पर बोली बोलते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को अपने पैर के नीचे लगी हुई मिट्टी के बराबर भी नहीं समझता, समझे? बकवास बंद करो कछुए के बच्चे, हमीद ने उसकी गर्दन की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि फरीदी ने उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया। फिर प्रोफेसर रॉक ने उसे एक नम्रतापूर्वक कहा, तुम ठीक कहते हो प्रोफेसर, अच्छा अलविदा। उसने कैडी का दरवाजा खोलकर हमीद को पिछली सीट पर बैठने के लिए कहा और स्वयं आगे बैठ गया। क्या शहर की ओर जाओगे? सहसा रॉक ने स्वर बदलकर पूछा। हाँ, तो मुझे रॉजर स्ट्रीट तक ले चलो। अवश्य अवश्य, इधर मेरे पास आ जाओ, फरीदी ने दरवाजा खोलते हुए कहा। रॉक बैठ गया। कैडिलाक स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर के बाद रॉक ने पूछा, जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जा रहा हूँ? कदाचित तुम हम लोगों को पसंद करने लगे हो, फरीदी मुस्कुराकर बोला। तुम्हें और मैं पसंद करूंगा, रॉक ने घृणा के साथ मुंह बनाकर कहा। मुझे वास्तव में तुम्हारे साथी की बात का उत्तर देना है, जिसने मुझे कछुए का बच्चा कहा था। अवश्य अवश्य, वह है भी बड़ा असभ्य, फरीदी ने कहा। क्या कहा बे? हमीद पीछे से जोर से बोला। हमीद जबान बंद रखो,
फरीदी ने उसे डांटा। रॉक फिर फरीदी से अंग्रेजी में बात करने लगा। यद्यपि तुम्हारे असभ्य साथी ने मेरे अपमान के विचार से मुझे कछुए का बच्चा कहा था, किंतु वो बिल्कुल मूर्ख है। तुम कछुए के बच्चे की पीठ पर अपनी पूरी शक्ति से खड़े हो जाओ, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और विपरीत इसके कछुए का बच्चा चुटकियों में मसला जा सकता है। बस अब गाड़ी रोक दो। क्यों? मैं उतरूंगा, मुझे इतना ही कहना था। यहाँ इस उजाड़ स्थान में उतरकर क्या करोगे? तो क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम जैसे गधों का एहसान लूंगा? रॉक बिगड़ गया। फरीदी ने हंसकर केड़ी रोक दी। रॉक केड़ी से उतरकर सड़क के किनारे किनारे चलने लगा। वह भी शहर ही की ओर जा रहा था। उस्ताद, आप पीछे आ जाइए, गाड़ी मैं चलाऊंगा। क्यों? नहीं, समय नष्ट मत करो, फरीदी चिल्ला गया। कभी तो मेरी बात मान लीजिया करे। न जाने फरीदी क्या सोचकर इस पर राजी हो गया। वह पिछली सीट पर आ गया और हमीद कार चलाने लगा। अब केड़ीलाग पैदल चलते हुए प्रोफेसर रॉक के साथ धीरे धीरे चलने लगी। ये क्या सभ्यता है, रॉक झन्ना कर चिखा। आगे बढ़ाओ, तुम खुद आगे बढ़ जाओ, हमीद ने खिड़की से सर बाहर निकालकर कहा। रॉक बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसी के साथ साथ केड़ी भी आगे बढ़ती रही। फरीदी मौन था, उसको चुप देखकर हमीद को भी आश्चर्य हो रहा था। अचानक प्रोफेसर रॉक ने दौड़ाना आरंभ कर दिया। हमीद ने भी कड़ी की गति इतनी बढ़ा दी कि केड़ी उसके साथ ही साथ रहे। रॉक उन्हें गंदी गंदी गालियां देता हुआ आगे भाग रहा था। क्यों समय नष्ट कर रहे हो हमीद, फरीदी बड़बड़ाया। मैं इस उल्लू के पट्टे को आकाश पाताल का अंतर समझा रहा हूँ। एक स्थान पर प्रोफेसर रॉक खड़ा हो गया। केड़ी आगे निकल गई। हमीद ने उसे रोककर बैक करना आरंभ किया और केड़ी फिर उसी स्थान पर आ गई जहां प्रोफेसर रॉक खड़ा गालियां बक रहा था। सहसा वो पीछे की ओर भागा। हमीद भी केड़ी बैक करने ही जा रहा था कि कार पर पत्थर पड़ने लगे। क्या कर रहे हो हमीद, फरीदी ने उसे डांटा। गाड़ी नष्ट करवाओगी क्या? हमीद ने गाड़ी आगे बढ़ाई और फिर शहर की ओर चल पड़ा। अगर गाड़ी खराब हुई होगी तो मैं तुमसे समझ लूंगा, फरीदी ने हमीद से कहा। आखिर ये आदमी है किस किस्म का, हमीद ने पूछा। क्या अभी उसकी किस्म तुम्हारी समझ में नहीं आई? नहीं, मैं नहीं समझ सका। बुद्धि जब अधिक बढ़ जाती है तो वह आदमी को बालक बना देती है। तो क्या वो वास्तव में वैज्ञानिक है? बहुत बड़ा विद्वान है हमीद साहब। रॉक, बड़ा विचित्र नाम है उसका, फरीदी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद कहने लगा, उस पागल ने ग्रेटा की सिफारिश की थी। यह बात किसी प्रकार से मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ कि जो जरा सा भी मर्द होगा वह औरतों से अवश्य दिलचस्पी लेगा। ठीक कहते हो, फरीदी बड़बड़ाकर चुप हो गया। आप साइफन क्यों खोज रहे थे? मेरा संदेह है कि जो कुछ भी था वह सोडे ही में था। बोतल तो उसने स्वयं खोली थी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि समय नष्ट न कीजिए, मुझे वह किसी प्रकार की बीमारी ही मालूम पड़ती है। आपकी संदेह करने वाली प्रकृति तो अब आपके लिए भी एक विपत्ति बन गई है। इस परामर्श के लिए धन्यवाद, फरीदी फिर चुप हो गया। हमीद शीघ्र अति शीघ्र घर पहुंचना चाहता था, मगर फरीदी ने उसे होटल डी फ्रांस चलने की आज्ञा दी। कमाल है, हमीद भन्ना कर बोला, ठंड के कारण जान निकली जा रही है। मैंने तो तुमसे कहा था कि मेरा अलस्टर पहन लो। क्या अलस्टर से भूख भी मिट जाएगी? अरे बाबा, वही भोजन कर लेना बस। क्या होटल डी फ्रांस में? हमीद ने चकित होकर कहा। हाँ, क्यों? यद्यपि मैं लाल पॉलिश नहीं लगाता, मगर फिर भी मुझे अपने नाखूनों से बहुत अधिक प्रेम है। तो क्या तुम ये समझते हो कि वहां भोजन करने से तुम्हें वो बीमारी हो जाएगी? मैं इस संबंध में आपका कोई तर्क मानने के लिए तैयार नहीं। आपके तर्क से मेरी मौत मुझे नहीं छोड़ सकती। बड़े डरपोक हो आजकल, जो भी चाहे कहिए, मगर मैं प्लेग के चूहों के समान मरना नहीं पसंद करूंगा। अच्छा चलो घर ही चले, लेकिन होटल डी फ्रांस चलने की क्यों सूची? मैं एक अनुभव और करना चाहता हूँ, फरीदी बोला। मगर होटल डी फ्रांस अब बेकार ही है, क्योंकि वहां पहले ही इस प्रकार की दुर्घटना हो चुकी है। आपके अनुभव का अर्थ है एक आदमी की जान? नहीं, अब ऐसा नहीं होने पाएगा, फरीदी बोला। हमीद ने अपनी कोठी के गैरेज के सामने केड़ी लाकर खड़ी कर दी। जैसे ही वह नीचे उतरे उन्हें अपने सामने प्रोफेसर रॉक खड़ा हुआ दिखाई दिया और हमीद अरे कहकर एकदम पीछे हट गया। फरीदी ने कार के पिछले भाग पर दृष्टि डाली। स्टेफनी खुली हुई थी, कदाचित प्रोफेसर रॉक उसी में बैठकर यहां तक आया था। प्रोफेसर रॉक ने उन्हें आश्चर्य में डूबा हुआ देखकर अट्टहास किया और फिर गंभीर होकर उन्हें बारी बारी घूरने लगा। तुमने मुझे बहुत परेशान किया था, अब तुम्हें मैं परेशान करूंगा, समझे? चलो आप कहाँ चलते हो, प्रोफेसर रॉक बोला। आओ प्रोफेसर, फरीदी आगे बढ़ता हुआ बोला।
मुझे खुशी होगी। चाहते हो या तुम्हें उठाकर कंपाउंड के बाहर फेंक दूं? हमीद ने आंखें निकालकर कहा। चुप रहो। फरीदी सचमुच बिगड़ गया। प्रोफेसर रॉक का हाथ पकड़े हुए फरीदी उसे ड्राइंग रूम में लाया। हमीद को फरीदी का इस प्रकार डांटना बहुत बुरा लगा था, इसलिए वह सीधा रसोई घर में चला गया। वहां रुका नहीं जहां प्रोफेसर रॉक से फरीदी कह रहा था, प्रोफेसर मेरा साथी मूर्ख है, उसकी बातों का ख्याल मत करना। तुम मूर्ख लोगों ने मेरा जीवन नष्ट कर रखा है, रॉक बोला। तुम्हारे सड़े सड़े बच्चे मेरे पीछे तालियां बजाते हैं, मुझे दुख है। और अब तुम भी मुझे बदनाम करोगे? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने ग्रेटा के लिए सिफारिश की थी? नियाग्रा होटल के मैनेजर ने मुझे बताया था, फरीदी बोला। मगर तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मैं तुम्हें बदनाम करूंगा? आजकल मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कुछ आवारा लोगों ने मुझे मेरी नौकरानी के साथ बदनाम करने का प्रयास किया है, यद्यपि ये बिल्कुल असत्य है। मैं जीवन के उस स्टेज से गुजर चुका हूँ, जवानी में भी मैं इस प्रकार के मनोरंजनों से बचता रहा हूँ। मगर ग्रेटा तो अत्यंत सुंदर है प्रोफेसर। होगी, मैंने तो आज तक उससे बात भी नहीं की। तो फिर तुमने उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिफारिश क्यों की? मुझे याद नहीं कि किसने मुझसे प्रार्थना की थी। इतना जानता हूँ कि वो ग्रेटा नहीं थी। किसी दूसरे ने मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए नियाग्रा होटल के मैनेजर से सिफारिश कर दूँ। आश्चर्य है कि तुम्हें ग्रेटा की सिफारिश तो याद है, मगर सिफारिश के लिए प्रार्थना करने वाले की याद नहीं, फरीदी बोला। अभी बच्चे हो, क्या जानो, प्रोफेसर रॉक बोला। मनुष्य को सहस्त्रों बातों में केवल वही बातें याद रह जाती है जिनका संबंध किसी न किसी प्रकार से उसके व्यक्तित्व से होता है। आदमी को एक बात याद आती है, लेकिन यह नहीं याद आता कि वह बात किसने कही थी। बात केवल इसलिए याद आ जाती है कि उसका संबंध किसी न किसी रूप में उस आदमी से होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बात कहने वाले से वह बात अधिक महत्वपूर्ण होती है। और इतना तो कदाचित तुम भी जानते होगे कि खास खास बातें ही स्मरण में रह जाती है, बेकार बातें भूल जाया करती है। तो फिर तुम्हारे तर्क का फल यह निकला कि ग्रेटा तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण है, फरीदी बोला। अवश्य, वह अत्यंत सुंदर है। मगर अभी तो तुमने कहा था कि तुम जीवन के उस स्टेज से गुजर चुके हो। तुम अधिक पढ़े लिखे नहीं मालूम पड़ते, प्रोफेसर रॉक बोला। नहीं, मैं तो बस एक मूर्ख हूँ, फरीदी मुस्कुराकर बोला। अच्छा, इसे इस प्रकार समझो, अगर तुम्हारे हाथ किसी प्रकार बेकार हो जाए तो क्या उन हाथों को प्रयोग करने की इच्छा भी मिट जाएगी? नहीं, तो फिर इसी प्रकार समझ लो। मैं बिल्कुल समझ गया प्रोफेसर, लेकिन अगर तुम आदमी को याद करने का यत्न करो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। क्यों? मैं उस आदमी द्वारा ग्रेटा तक पहुंचना चाहता हूँ। वह अवश्य उसका कोई अपना आदमी होगा। आह, क्या बताऊं प्रोफेसर, जब से मैंने उसे देखा है तारे गिन गिन कर रात व्यतीत करता हूँ। तो दिन में सो लिया करो, रॉक खिलखिला पड़ा। मेरा मजाक मत उड़ाओ प्रोफेसर, कदाचित मैं पागल हो जाऊंगा। तुम तो काफी अमीर आदमी मालूम होते हो, डोरे डालो ना उस पर, वह किसी से नहीं मिलती। रॉक कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उठता हुआ बोला, अच्छा प्रयत्न करूंगा। फिर वह तेजी से बाहर निकल गया। डॉक्टर शारदा की मौत को 3 दिन हो चुके हैं। उसकी लाश के पोस्टमार्टम की भी वही फल निकला जो उससे पहले वाली लाशों का निकला था। कोई नई बात नहीं मालूम हो सकी। डॉक्टर ने इतना तो पता लगाया था कि मरने से पहले उसके शरीर में बड़ी तेज ऐठन हुई थी, किंतु ऐठन का कारण न जान सके। डॉक्टर शारदा ने मरने से पहले शराब पी थी और मरने के बाद उसके पेट में पर्याप्त परिमाण में मदिरा पाई गई, किंतु उसका परीक्षण करने के बाद भी उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो उस नखों वाली बीमारी पर किसी प्रकार का प्रकाश डालती। फरीदी बराबर दौड़ धूप करता रहा और ग्रेटा भी नियाग्रा में अपनी कला का प्रदर्शन करती रही, किंतु उसके बाद से फिर कोई दुर्घटना नहीं हुई। इतना अवश्य हुआ कि पहली दुर्घटना के आधार पर अब नियाग्रा की बहुत सी मेजें खाली नजर आने लगी। फरीदी ने हमीद के अतिरिक्त किसी दूसरे आदमी को अभी तक यह नहीं बताया था कि वह उस बीमारी को किसी दूसरे रूप में देखने की चेष्टा कर रहा है। नियाग्रा होटल के मैनेजर को उसके प्रश्नों के आधार पर कुछ संदेह अवश्य हो गया था, मगर बाद में फरीदी ने उसे भी समझा बुझाकर संतुष्ट कर दिया था। यद्यपि डॉक्टर शारदा की मृत्यु के बाद शहर में इस प्रकार की कोई दूसरी मृत्यु नहीं हुई, मगर फिर लोगों में आतंक छाया हुआ था। इधर हमीद का विचार यह था कि अब सचमुच फरीदी का भेजा खराब हो गया है। वह बेकार तमाम बातों को जासूसी चश्मे से देखने का प्रयत्न कर रहा है। हमीद ने इन 3 दिनों में ग्रेटा से परिचय प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगाया था, मगर सफल न हो सका। इसका मुख्य कारण यह था कि ग्रेटा किसी से मिलना पसंद नहीं करती थी। शहर के अत्याधिक पूंजीपति जो सौंदर्य के उपासक थे, उस तक पहुंचने के लिए हाथ पांव मार रहे थे, मगर किसी को अब तक सफलता नहीं मिली थी।
केवल समाचार पत्रों के संवाददाता ही ऐसे भाग्यशाली थे जिनमें वो थोड़ी देर तक बातें कर लिया करती थी। हमीद जब तक थक हार गया तो उसने सोचा कि अब यही उचित है कि वह थोड़ी देर के लिए किसी समाचार पत्र का रिपोर्टर बन जाए। मगर हमीद का ध्येय वह नहीं था जो फरीदी का था। हमीद मनोरंजन चाहता था और फरीदी नखों वाली बीमारी का कारण जानने के लिए परेशान था। वह क्राइम रिपोर्टर रमेश का परिचय कार्ड लेकर स्प्रिंग कॉटेज पहुंच गया जहां ग्रेटा ठहरी हुई थी। ग्रेटा उससे मिली तो लेकिन सबसे पहले उसने हमीद से यही कहा कि वह 10 मिनट से अधिक समय नहीं दे सकती। इटली के प्रति आपके क्या विचार है, हमीद ने उससे पूछा। ओह, क्या आपको यह नहीं मालूम कि मैं इटली ही की रहने वाली हूँ? अच्छा, हमीद ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आपका रंग तो अंग्रेजों से भी अधिक साफ है। ग्रेटा कुछ नहीं बोली। इटली तो आपको अच्छा लगता होगा। मेरा विचार है कि पहले आप इंटरव्यू लेने की शिक्षा प्राप्त कीजिए, उसके बाद आइएगा, ग्रेटा ने चिढ़कर कहा। ओह, क्या मेरा प्रश्न अनुचित है, हमीद ने दुख प्रकट करते हुए कहा। बात यह है कि ये काम मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने पिछले ही पेशे की ओर लौट जाना चाहिए। अचानक ग्रेटा ती करके एक और सिमट गई। उसे हमीद की कोट की जेब से एक उज्जवल सी वस्तु फुदक कर छोटी मेज की ओर आती हुई दिखाई दी और फिर हमीद की पालतू चूहिया के घुंघरू मेज पर बज उठे। अरे, मैं तो डर गई, ग्रेटा हंसकर बोली। आप चूहे भी पालते हैं? ये मेरी चूहिया है, हमीद ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मेरे पहले धंधे की यादगार। ये धंधा पेशा क्या है, मैं नहीं समझ रही हूँ। देखिए, मैं बताता हूँ, हमीद ने कहा और मेज पर दोनों हाथ टेक कर आगे की ओर झुकते हुए सीटी में अपनी मुख्य धुन आरंभ कर दी। चूहिया पिछले पैरों पर खड़ी होकर नाचने लगी। ग्रेटा बच्चों के समान तालियां बजाकर हंस पड़ी। आप तो जादूगर मालूम होते हैं, मैंने आज तक चूहों की शिक्षा के बारे में नहीं सुना था। मेरे पास ऐसे बहुत से जानवर है, ये तो चूहिया है, मैंने सांप भी पाल रखे है और उन्हें शिक्षा भी दे रखी है। सांप? ग्रेटा चकित होकर बोली। हाँ हाँ, मेरे पास लगभग 300 सांप है। झूठ! अच्छा, तो कल मैं आपको दिखाऊंगा। अवश्य, ग्रेटा अब हामिद की बातों में दिलचस्पी लेने लगी थी। मगर क्या वो सांप आपने तो न पकड़े होंगे? फिर कौन पकड़ेगा, हमीद बोला। सांप पकड़ना भी एक उच्च कोटि की कला है। इस शहर में मेरे अतिरिक्त और किसी को ये कला नहीं आती। तो आप सपेरे हैं? मैंने यहाँ के सपेरे के बारे में पुस्तकों में पढ़ा है। मुझे दुख है कि आपने डॉक्टर जेटू का नाम कभी नहीं सुना। मुझे नवारका विश्वविद्यालय से सांपों के अनुसंधान के लिए डॉक्टरेट मिली है। अच्छा, आप किस प्रकार सांप पकड़ते हैं, ग्रेटा ने पूछा। इस प्रकार तो बताना कठिन है, अगर कोई सांप होता तो पकड़कर दिखा देता, हमीद ने चिंताजनक स्वर में कहा। फिर मुस्कुराकर बोला, ठहरिए, मैं प्रयत्न करता हूँ। मान लीजिए कि आप सांप है, जरा सीधी होकर बैठ जाइए। हाँ, हमीद ने बीच से छोटी वाली मेज हटा दी और ग्रेटा के सोफे के समीप के घुटना टेक कर बैठ गया। हुश हुश, उसने कहा, मैंने इस प्रकार आपको बिल से निकाला, अब आप फन काढ़े खड़ी है। मैंने फिर आपको हुश हुश किया, हमीद ने हुश हुश करके ग्रेटा की ठुड्डी में हाथ लगाते हुए बकवास जारी रखी। अब आप मेरे हाथ पर मुंह मारने का यत्न कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, इस प्रकार, उसने ग्रेटा का हाथ लेकर अपने होठों से लगा लिया। हाँ, तो इस प्रकार सांप ने मेरे हाथ पर मुंह मारा और मैंने उसका वार खाली करके उसके फन के बगल वाले भाग पर जोर से हाथ मारा। इस बार उसने ग्रेटा के दाहिने गाल पर हल्की सी थपकी दी और फिर जैसे ही सांप एक और झुका, मैंने उसका सर दबोच लिया। इस बार ग्रेटा बड़ी फुर्ती से एक और खिसक गई और हमीद के हाथ फैले ही रह गए, लेकिन वह उसी समय सीधा होकर हाथ मलता हुआ बोला, इस प्रकार सांप पकड़ा जाता है। तुम बड़े शरारती मालूम होते हो, ग्रेटा मुस्कुराकर बोली। जी नहीं, छोटा शरारती। बड़े शरारती महाशय तो इस मामले में बिल्कुल बुद्धू है। मैं नहीं समझी। ओह, यह हम सांप पकड़ने वालों की अपनी भाषा है। यदि आप इस समय मुझे शरारती के बजाय क्रीम रोल कहती तब भी मैं यही वाक्य कहता। ओह, ग्रेटा ने कलाई की घड़ी देखते हुए कहा, 20 मिनट हो गए। अरे, हमीद बौखला कर बोला, इंटरव्यू तो रह ही जा गया। नहीं, बस अब कल इस समय मुझे काम है। कल किस समय? इसी समय। तुम एक अच्छे मित्र बन सकते हो। ओह, धन्यवाद। कितने सांप लाओ? सांप? वह हंसकर बोली, अब अधिक मूर्ख मत बनाओ। अरे, तो क्या आप मजाक समझ रही है? अच्छी बात है, कल देख लीजिएगा। फिर मेज पर से चूहिया को उठाता हुआ बोला, डॉक्टर जेटू एक प्रतिष्ठित नागरिक है। अच्छा, डॉक्टर जेटू, अब जाओ, ग्रेटा ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हम कल फिर मिलेंगे। वापसी पर हमीद अपने ही हाथ से अपनी पीठ ठोक रहा था।
जब वह घर पहुंचा तो फरीदी का सामना हो गया। वह कदाचित बड़ी देर से बैठा उसी पर ताव खा रहा था। आजकल तुम कैडिलाक न ले जाया करो, समझे, मेरी बड़ी हानि होती है, फरीदी ने कहा। लेकिन यही बात आप हंसकर गाकर भी कह सकते थे, हमीद बोला। थप्पड़ मार दूंगा, मगर उसी प्रकार जैसे मैंने ग्रेटा के गाल पर थपकी दी थी, हमीद सीना तान कर बोला। और फरीदी उसे घूरने लगा। जी हाँ, उसने फिर कहा, मैं सच कह रहा हूँ, स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना एक बहुत बड़ी कला है, समझे भाई लॉर्ड। क्या बक रहे हो, ग्रेटा ने मुझे कल फिर बुलाया है, जरा 10-15 सांप ऐसे अलग कर दीजिए जिनके मुंह में एक भी दांत ना हो। परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। आप तो ग्रेटा से भी कठोर मालूम होते हैं, उसने कम से कम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। क्या कोई बड़ा तीर मार के आए हो, फरीदी ने व्यंग करते हुए पूछा। जी हाँ बिल्कुल, बल्कि तीर खाकर आया हूँ, देखिए क्या होता है। तुम बकवास बंद नहीं करोगे? अच्छा सुनिए, मगर कदाचित आप विश्वास नहीं करेंगे, हमीद ने कहा और उस पर परिहासजनक इंटरव्यू का हाल बताने लगा। उसे आशा थी कि फरीदी सुनकर बड़ी देर तक हंसता रहेगा, लेकिन कहानी समाप्त होते ही फरीदी ने बड़े शुष्क स्वर में कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया हमीद। धन्यवाद, हमीद मुंह बनाकर बोला, लेकिन यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि उसके बारे में मेरे वो विचार नहीं है जो आपके है, मेरे लिए वो एक सुंदर औरत है बस। तुम जानते हो कि मैं हर कदम सोच समझ कर उठाता हूँ। ठीक है, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई नई बात कहिए, ये तो मैं हजारों बार सुन चुका हूँ। अच्छा, फरीदी उसे घूर कर बोला, अगर तुम भी लपेट में आ जाओ तो फिर मुझसे शिकायत मत करना, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ, हमीद लापरवाही से बोला। इतने में फोन की घंटी बजी। फरीदी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हाँ हाँ, मैं फरीदी बोल रहा हूँ, हाई सर्किल क्लब में। ठीक है, नहीं नहीं, कम से कम 11 बजे रात तक उसे वहां रुकना चाहिए। क्या कह रहे हो, 12 बजे तक? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ठीक है, तो फिर मैं अवश्य विश्वास रखूं। बहुत अच्छा, फरीदी ने रिसीवर रखकर सिगार सुलगाया और किसी गहरी चिंता में डूब गया। हमीद वहां से उठकर चल दिया। 9 बज रहे थे, जाड़े की रात थी, अभी से लग रहा मानो आधी रात बीत गई हो। फरीदी उठकर एक कमरे में आया, यहाँ उसने काले कपड़े का सूट पहनकर पिस्तौल जेब में डाला। वहां से गैरेज में आया तो कैडिलाक फिर गायब थी, शायद हमीद फिर कहीं निकल भागा था। फरीदी ने काले रंग की छोटी आस्ते निकाली जिसे वह बहुत ही आवश्यक अवसरों पर प्रयोग करता था। थोड़ी देर के बाद विभिन्न सड़कों से होती हुई कार एक ऐसी भाग में पहुंची जहां किराए पर दिए जाने वाले अनगिनत गैरेज थे। फरीदी ने कार से उतरकर एक गैरेज खोला और कार उसके अंदर ले जाकर खड़ी कर दी। उसने ये गैरेज किराए पर रखा था। थोड़ी देर के बाद वह एक मोटरसाइकिल ढकेलता हुआ गैरेज से बाहर निकला। अब उसके सर पर फेल्ट हैट के स्थान पर एक विचित्र प्रकार की टोपी थी। उसका रंग काला था और वह उस सर पर त्वचा के समान चिपकी हुई थी। शरीर पर कोट के स्थान पर एक चमड़े की जैकेट थी। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वह एक सुनसान मार्ग पर हो लिया। मोटरसाइकिल तीव्र गति से जा रही थी, उसने मेन रोड पर आने का प्रयत्न नहीं किया। मोटरसाइकिल वास्तव में ग्रेटा के निवास स्थान स्प्रिंग कॉटेज जा रही थी। इस इलाके में बहुत थोड़े से बंगले थे और वह भी एक दूसरे से काफी फासले पर स्थित थे। फरीदी ने स्प्रिंग कॉटेज से 2-2.5 फरलांग इधर ही मोटरसाइकिल रोक दी और उतर गया। कदाचित उसने पहले से ही मोटरसाइकिल छिपाने के लिए स्थान नियत कर लिया था। मोटरसाइकिल छिपाने के बाद वह पैदल ही स्प्रिंग कॉटेज की ओर चल पड़ा। उसे एक ऐसी ही रात याद आ रही थी जब वह और हमीद इसी स्प्रिंग कॉटेज में चोरों के समान दाखिल हुए थे। वह भी एक नर्तकी ही का मामला था और उसने भी अपने रहने के लिए इसी स्प्रिंग कॉटेज ही को चुना था। वह भी जाड़े ही की रात थी और इसी प्रकार अंधकार छाया हुआ था, मगर उस मामले में न तो फरीदी ने इतनी तैयारियां की थी और न इतनी सावधानी रखी थी। यद्यपि उस रात वह दोनों चोरों की के समान स्प्रिंग कॉटेज में घुसे थे, लेकिन उन्हें पूरा संतोष और अपने ऊपर भरोसा था। एक आने वाले के लिए उन्होंने इत्मीनान से दरवाजा खोला था, लेकिन आज हमीद नहीं था। न जाने क्यों फरीदी उसके लिए अचानक व्याकुल हो उठा। हमीद ग्रेटा पर रिझ गया था और फरीदी के विचारानुसार यह बड़ी भयानक बात थी। फरीदी तेजी से स्प्रिंग कॉटेज की ओर बढ़ा। स्प्रिंग कॉटेज का बंगला ऊंची चारदीवारी के अंदर अंधकार में डूबा हुआ खड़ा था। बंगले के सामने एक छोटी सी वाटिका थी जिसके बीच में एक सड़क थी जो बंगले से उस फाटक तक जाती थी जो चारदीवारी में था, अर्थात बाहरी फाटक तक।
फरीदी ने जैसे ही उस बाहरी फाटक के सामने से गुजरना चाहा, वैसे ही कुत्ते गुर्राते हुए फाटक की ओर दौड़े। ये फाटक छड़दार था और अंदर से बंद था। फरीदी जल्दी से दीवार की ओट में हो गया, मगर वह कुत्ते छड़ों के बीच से अपनी थोतनियां निकाले भूखे जा रहे थे। फरीदी ने पतलून की जेब से एक पैकेट निकाला, उसमें कच्चे मांस के टुकड़े थे। उसे रखवाली करने वाले कुत्तों के बारे में पहले ही से मालूम था, इसलिए वह उनके लिए पूरी तरह तैयार होकर आया था। उसने मांस के टुकड़े अंदर फेंक दिए। फिर उसे कुत्तों की गुर्राहट सुनाई पड़ी। उन्होंने भौंकना बंद कर दिया था, किंतु मंद गुर्राहट अब भी सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद गुर्राहट भी बंद हो गई और फरीदी मुस्कुरा पड़ा। फरीदी को मालूम था कि बंगला बिल्कुल खाली नहीं है, ग्रेटा के दोनों नौकर वही रहते हैं, किंतु फिर भी उसने गैर कानूनी तौर पर तलाशी लेने का खतरा मोल लिया था। वह चक्कर काट कर बंगले के पीछे पहुंचा। उसे याद था कि पीछे की ओर भी एक दरवाजा है, लेकिन यह बात बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसने फिर यह जानने का कष्ट नहीं उठाया कि वह दरवाजा अब भी है या नहीं। जब वह बंगले के पीछे पहुंचा तो उसे निराशा हुई, क्योंकि वह दरवाजा ईंटों से बंद कर दिया गया था। फरीदी ने जेब से टॉर्च निकाली, मगर न जाने क्या सोचकर उसे प्रयोग नहीं किया। वह अब फिर उसी बाहरी फाटक की ओर जा रहा था। फिर वह उस स्थान पर रुक गया जहाँ चार दीवारी का कुछ भाग इधर उधर की दीवारों से ऊंचा था। यहाँ नौकरों के लिए दो छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। जब उसे भली भांति इस बात का विश्वास हो गया कि नौकर उन्हीं दोनों कमरों में उपस्थित है, तो वह आगे बढ़ा। फरीदी अब चार दीवारी के उस भाग के समीप पहुंच गया था जहाँ से बंगले की इमारत आरम्भ होती थी। उसने अपने सर पर चिपकी हुई टोपी का अगला सिरा खींच लिया। इस प्रकार पूरा चेहरा छिप गया, केवल दोनों आंखें दो छेदों से झांक रही थी। इसके बाद उसने आंकड़ा लगी हुई डोर दीवार पर फेंक दी, जो दीवार में जाकर अटक गई। वह उस डोर के सहारे दीवार पर चढ़ गया और फिर डोर को दूसरी ओर लटकाकर उसी के सहारे दूसरी ओर बड़ी सरलता से उतर गया। फिर डोर को झटका देकर दीवार से फंसा हुआ आंकड़ा छुड़ा लिया और डोर को लपेटकर कमर से बांधकर बंगले की ओर बढ़ा। बरामदे में पहुंचकर फरीदी रुक गया। नौकरों के कमरे में प्रकाश हो रहा था, किंतु वह इतना तीव्र नहीं था कि बरामदे तक पहुंचता। घास में छुपे हुए झिंगूर झाए झाए कर रहे थे। फरीदी बरामदे में खड़ा हुआ कुछ सोचने लगा। कोई खास बात रही होगी, वरना काम करते समय फरीदी सोचा नहीं करता था। जो कुछ सोचना होता था वह काम करने से पहले ही सोच लिया करता था। अचानक वह बंगले के दरवाजे की ओर लपका। उसे आशा थी कि दरवाजे में अंदर या बाहर से ताला लगा होगा, मगर दरवाजा बंद नहीं था। वह हैंडल घुमाते ही खुल गया। उसने बड़ी सावधानी से अंदर प्रवेश करके दरवाजा बंद कर लिया। अब उसने अपनी छोटी सी टॉर्च फिर निकाल ली, क्योंकि यहाँ चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। उसने टॉर्च के प्रकाश में कमरों की तमाम वस्तुएं उलटनी पलटनी आरंभ कर दी। सहसा उसे एक मंद सी आहट सुनाई पड़ी। उसने टॉर्च बुझा दी और चुपचाप एक ओर खड़ा हो गया। दो तीन मिनट व्यतीत हो गए, किसी का पता नहीं चला। उसने यह समझ कर कि कदाचित उसका भ्रम हो, फिर वह अपना काम आरंभ कर दिया। वह सोच रहा था कि अगर इस समय हमीद भी होता तो कितना अच्छा होता। सब कमरों की तलाशी लेने के बाद वह ग्रेटा के सोने वाले कमरे में आया। सबसे पहले उसकी दृष्टि ग्रेटा के सिंगार मेज पर पड़ी और उसने उसी से तलाशी आरंभ कर दी। मेज की दराजे खोल कर देखी और फिर उसकी नजर एक मुंह वाली शीशी पर पड़ी, जिसमें कई रंगों के छोटे मोटे कैप्सूल शीशे की बनी हुई एक प्रकार की नलकिया से भरे हुए थे। यह कई रंग के कैप्सूल थे। फरीदी ने अपने आप से प्रश्न किया, लाल, पीले, गहरे गुलाबी, श्वेत, क्या एक ही रंग के काफी नहीं थे? फरीदी ने शीशी का ढक्कन खोलकर थोड़े से कैप्सूल अपनी हथेली पर उलट लिए। उनमें से एक आध खोल कर भी देखे, लेकिन वह खाली थे। उसने उनमें से हरे रंग के दो चार निकालकर अपनी जेब में रख लिए। उसके मस्तिष्क में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न हो गया। उसने फिर तलाशी आरंभ की, मगर उसे वहां कोई ऐसी दवा नहीं मिली जिसके प्रयोग के लिए कैप्सूलों की आवश्यकता पड़ती हो। एक स्थान पर उसे ग्रेटा के बहुत से सर्टिफिकेट मिले, जो उसे दूसरे देशों में विशेष विशेष अवसरों पर अपनी कला के प्रदर्शन करने पर मिले थे। फरीदी ने उन्हें भी अपनी जेब में डाल लिया। उसने सोचा कि कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए और बहुत संभव है कि संध्या को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र इस आश्चर्यजनक चोरी का समाचार छापे, जिसमें केवल सर्टिफिकेट चुराए गए हो। वह मन ही मन अपनी इस कार्य प्रणाली पर हंस पड़ा। वो वापसी के लिए मुड़ा ही था कि उसे बराबर वाले कमरे में फिर एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने नींद में करा कर करवट ली हो।
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि इससे पहले वह सब कमरे देख चुका था और वह सब खाली थे। वह पाँव दबाकर उस कमरे से निकला और बगल वाले कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उसे खोलना चाहा किंतु वह अंदर से बंद था। फरीदी को और अधिक आश्चर्य हुआ। कुछ देर पहले वह दरवाजा खुला हुआ था, अगर कोई इसमें घुसा है तो उसने कमरे की बिगड़ी हुई दशा पर क्यों नहीं ध्यान दिया? अगर वह घर ही का कोई व्यक्ति है तो उसे ऐसी दशा में इस प्रकार द्वार बंद करके रहने के बजाय पूरे मकान का चक्कर लगाना चाहिए था। अंदर घुसने वाले ने प्रकाश भी नहीं किया था। उसने दरवाजे के शीशों से अंदर झांकने का प्रयत्न किया मगर अंदर कमरे में अंधेरा था। अचानक उसे प्रकाश की एक पतली सी रेखा चक्कर लगाती हुई दिखाई पड़ी। यह उसी प्रकार की टॉर्च का प्रकाश था जैसे कुछ देर पहले स्वयं फरीदी प्रयोग कर चुका था। टॉर्च का प्रकाश बिखरे हुए सामान पर पड़ रहा था। फिर टॉर्च बुझा दी गई और किसी ने दरवाजे के हैंडलों को अंदर से पकड़कर घुमाया। फरीदी दरवाजे के सामने से हटकर दीवार से चिपक गया। उस कमरे से निकलने वाला व्यक्ति फरीदी के समीप से होता हुआ ग्रेटा के सोने वाले कमरे में घुस गया। सहसा बाहरी बरामदे में कई आदमियों की कई कदमों की आवाजें सुनाई पड़ी और ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने दरवाजे का हैंडल घुमाया हो। ग्रेटा के सोने वाले कमरे में घुसा हुआ आदमी बाहर निकल आया। फिर फरीदी ने उसको आंगन से होकर रसोई घर की छत पर चढ़ते देखा। अब फरीदी का भी बाहर ठहरना खतरे से खाली नहीं था। देखते ही देखते दूसरा आदमी गायब हो गया। फरीदी भी बड़ी तेजी से रसोई घर की ओर चला। रसोई घर की दीवार काफी नीची थी। उसने छत पर चढ़कर नीचे की ओर झांका। दूसरा आदमी नीचे कूद चुका था। अंदर प्रवेश करने के लिए यह मार्ग बड़ा सरल था किंतु जल्दी में फरीदी को यह दिखाई नहीं पड़ा था। पहले कूदने वाला व्यक्ति बड़ी तेजी से एक ओर जा रहा था। फरीदी भी कूदा। यद्यपि उसने क्रेप सोल के जूते पहन रखे थे मगर कूदने से जो आवाज हुई वह आगे जाते हुए आदमी को चौंका देने के लिए काफी थी। वह एक क्षण के लिए रुका और फिर दौड़ने लगा। फरीदी उसके पीछे भाग रहा था। सहसा स्प्रिंग कॉटेज की ओर से किसी ने फायर किया। गोली सनसनाती हुई फरीदी के पास से निकल गई। दूसरा फायर और साथ ही लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। दूसरा आदमी न जाने किधर निकल गया। फरीदी ने अब यही उचित समझा कि वह उस आदमी का पीछा करने का विचार छोड़कर चुपचाप यहाँ से निकल जाए। सवेरे जलपान की मेज पर फरीदी हमीद की प्रतीक्षा कर रहा था और उसके मस्तिष्क में पिछली रात की घटनाएं घूम रही थी। वह सोच रहा था कि आखिर वह दूसरा आदमी कौन था, उसे किस वस्तु की तलाश थी। 3 मिनट बीत गए मगर हमीद नहीं आया। फिर नौकर ने आकर सूचना दी कि वो मौजूद नहीं है। फरीदी दिन भर अपने अनुभवशाला में पड़ा रहा और संध्या को जब नीचे आया और सबसे उसने संध्या को प्रकाशित होने वाले समाचार मंगाए और फिर वह समाचार उसे प्रकाशित हुआ मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। लगभग सारे समाचार पत्रों ने यही लिया था, इटालियन नर्तकी ग्रेटा के यहाँ विचित्र चोरी। घर का सारा सामान उलट पलट दिया गया किंतु चोर केवल उसके सर्टिफिकेट ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर जगदीश जांच कर रहे हैं। फरीदी मुस्कुरा उठा। उसने ड्राइवर को आवाज देकर केड़ी निकालने को कहा। केड़ी तो हमीद साहब ले गए हैं, ड्राइवर बोला। फरीदी ताव खा कर रह गया और हमीद अपनी स्वप्नवत मूछों पर ताव देता हुआ स्प्रिंग कॉटेज की ओर केड़ी भगाए लिए जा रहा था। एक चमड़े के थैले में दर्जनों बेदांत के सांप कुलबुला रहे थे। स्प्रिंग कॉटेज पहुंचकर हमीद केड़ी से उतर पड़ा लेकिन थैला उसी में पड़ा रहने दिया। बरामदे में खड़े हुए नौकर ने कार्ड मांगा। ओह, हमीद पैर पटक कर बोला, जाकर कह दो कि डॉक्टर जेटू आए हैं। साहेब वो हिंदुस्तानी नहीं समझती, लिख कर दीजिए, नौकर बोला। हमीद ने कागज पर पेंसिल से लिख कर नौकर को दे दिया और नौकर को वापसी में देर नहीं लगी। ऐसा लगा मानो हमीद की प्रतीक्षा ही की जा रही थी। ड्रॉइंग रूम में घुसते ही हमीद की नजर सबसे पहले इंस्पेक्टर जगदीश पर पड़ी। हमीद ने जगदीश को चौंकते हुए देखा। हमीद स्वयं भी बौखला गया था किंतु उसने ग्रेटा की नजर बचाकर जगदीश की ओर देखते हुए अपनी बाई आग दबा दी। ऑफिसर, यही है वो आदमी, अचानक ग्रेटा चिल्ला पड़ी। अगर यह वही आदमी है तो मैं विवश हूँ, जगदीश बोला। क्यों? ग्रेटा उसे घूरने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि इस आदमी ने आपके सर्टिफिकेट चुराए होंगे, जगदीश बोला। हाँ, अगर आपका पाउडर पफ या हेयर पिन गायब हुआ होता तो दूसरी बात थी। हमीद उन दोनों को पागलों के समान घूर रहा था। उसने ग्रेटा के यहाँ की चोरी का समाचार पढ़ा तो था लेकिन ये सोच भी नहीं सकता था कि ग्रेटा ने उसी पर संदेह किया होगा। क्या आप इसे जानते हैं? ग्रेटा ने पूछा। बहुत अच्छी तरह, ये एक प्रतिष्ठित नागरिक है। क्या बात है? हमीद ने उन दोनों को बारी बारी घूर कर कहा। अच्छा मिस ग्रेटा, जगदीश उठता हुआ बोला,
मैं पूरा पूरा यत्न करूंगा। जगदीश सर झुकाए हुए चला गया। हमीद खड़ा खड़ा ग्रेटा को घूरता रहा। उसने उसे बैठने को भी नहीं कहा। आखिर क्या बात है, हमीद ने पूछा। यहाँ चोरी हो गई है। मैं जानता हूँ, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था, लेकिन क्या मुझ पर संदेह है? मैंने वैसे ही अपना विचार प्रकट किया था, ग्रेटा बोली। फिर थोड़ी देर ठहर कर पूछा, आखिर तुम कौन हो? डॉक्टर जैटू, सांपों का विशेषज्ञ। पुलिस वाले तुम्हें कैसे जानते हैं? हर बड़े आदमी को पुलिस वाले जानते हैं। और तुम सांप पकड़ते हो? हाँ, ये मेरा मनोरंजन, मेरा धंधा और मेरा काम है। मैं इस समय बहुत अधिक परेशान हूँ। केवल सर्टिफिकेट के लिए इतनी परेशान? हमीद बोला। मैं यहाँ से दर्जनों सर्टिफिकेट तुम्हें दिला दूंगा। जाओ फिर कभी आना, ग्रेटा बोली। मैं सांप लाया हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। तो तुमने मेरा इतना समय क्यों नष्ट किया? हमीद बिगड़ गया। ग्रेटा कुछ नहीं बोली, वो बहुत घबराई हुई थी। अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ, हमीद ने पैर पटक कर कहा और कमरे से बाहर निकल आया। केड़ी के पास आकर उसने सांपों वाला थैला निकाला और ग्रेटा के ड्रॉइंग रूम में जा घुसा। ग्रेटा भी कदाचित बाहर हो जाने के लिए उठी थी। हमीद ने थैला मेज पर उलट दिया। दर्जनों सांप मेज पर रेंगने लगे। ग्रेटा चीख मार कर सोफे पर चढ़ गई। क्या मैं झूठ कहता हूँ? हमीद ने कहा और एक सांप उठाता हुआ बोला, ये मेरे केचुए है। ग्रेटा सोफे पर खड़ी कांप रही थी। अचानक एक काला सांप फन उठाए सोफे की ओर लपका और ग्रेटा चीख कर हमीद की बाहों में झूल गई। फिर वो दोनों सोफे पर ढेर हो गए। नौकर बरामदे में खड़े चीख रहे थे, ईश्वर के लिए डॉक्टर, ग्रेटा हाफती हुई बोली, तो तुम मुझे झूठा समझती थी ना? नहीं नहीं, इन्हें ले जाओ। घबराओ नहीं, जब तक तुम मेरे पास हो ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। हमीद ने सोचा कि अगर नौकर शोर मचाते हुए सड़क पर चले गए तो बड़ी कठिनाई होगी। उसने ग्रेटा से कहा, इन गधों को चुप कराओ, नहीं तो शोर सुनकर सारे सांप क्रोधित हो जाएंगे, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ग्रेटा भयग्रस्त मुस्कुराहट के साथ हाथ हिलाकर नौकरों को चले जाने का संकेत करने लगी। नौकरों ने एक बार आश्चर्य से ग्रेटा की ओर देखा और फिर चले गए। ओह, ग्रेटा फिर चीख मारकर हमीद पर लग गई। एक सांप सोफे पर चढ़ने का यत्न कर रहा था। हमीद ने उसे दूसरी ओर झटक दिया। हटाओ इन्हें, हटाओ, नहीं तो मैं नौकरों को बुलाती हूँ। नौकर इस कमरे में घुसने का साहस नहीं कर सकते, हमीद ने लापरवाही से कहा। आखिर तुम चाहते क्या हो? दो बातें, एक तो यह कि तुम स्वीकार कर लो कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं स्वीकार करती हूँ। दूसरी ये बात कि तुम नित्य प्रति मुझसे मिला करोगी, तुम उसे रोज मिला करोगी। मिलूंगी, बस ठीक। अच्छा, अब मुझे उठने दो ताकि मैं इन्हें थैले में रख सकूं। ग्रेटा उसे छोड़कर एक ओर हट गई और हमीद सांपों को पकड़कर थैलों में डालने लगा। तुम्हें भय नहीं मालूम होता? नहीं, ये मेरे अच्छे साथी है। अंतिम सांप हमीद के हाथों में ही था कि एक लंबा तड़ंगा एंग्लो इंडियन कमरे में दाखिल हुआ और कुछ क्षण तक मुंह खुले दरवाजे के पास खड़ा रहा। हमीद ने सांप को झोले में डालते हुए ग्रेटा से कहा, खेल समाप्त हो गया। ओ मिस्टर कैलब, ग्रेटा ने आने वाले को संबोधित करते हुए कहा, यह सांपों के विशेषज्ञ डॉक्टर जैटू है। हमीद सोच रहा था कि उसने इससे पहले कैलब को कहा और कब देखा था। कैलब हमीद को घूरता हुआ आगे बढ़ा और हमीद ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, बड़ा हर्ष हुआ मिस्टर कैलब। मुझे भी कम हर्ष नहीं हुआ कैप्टन हमीद, उसने व्यंग करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे हाथ गंदे हैं इसलिए थोड़ी सी घृणा भी हुई है। कोई बात नहीं, फिर कभी मिलोगे तो हाथ साफ रहेगा, हमीद मुस्कुराकर बोला। लेकिन दूसरों से परिचय प्राप्त करने का यह ढंग बहुत ही खराब है, उसने सांपों वाले थैले की ओर संकेत करके कहा। तुम इन्हें जानते हो? ग्रेटा ने जल्दी से पूछा। हाँ, कैलब मुंह टेढ़ा करके बोला, ये गुप्त विभाग के एक बदनाम ऑफिसर है। वह औरतें जो इन्हें मुंह लगाना पसंद नहीं करती उनसे ये इस प्रकार परिचय प्राप्त करते हैं। यह वाक्य तुम्हें अत्यंत महंगा पड़ेगा मिस्टर कैलब, हमीद ने फर्श से थैला उठाते हुए कहा। कैलब खिलखिलाकर हंस पड़ा और हमीद ने ग्रेटा की ओर देखकर कहा, तुम मुझे बहुत याद आओगी सुंदरी। वह कमरे से निकल आया मगर उसका मस्तिष्क इसी प्रश्न में उलझा हुआ था कि कैलब कौन था। फरीदी अपने अनुभवशाला में टहल रहा था। उसके मंडल पर उत्तेजना झलक रही थी। कदाचित उसने अभी अभी कोई परीक्षण करके कोई नया अनुभव प्राप्त किया था। उसने नौकर के लिए घंटी बजाई और सिगार सुलगाकर एक मेज के कोने पर बैठ गया। हमीद को भेज दो, नौकर को दरवाजे में खड़ा देखकर उसने कहा। कुछ देर के बाद हमीद जब उसके सामने आया तो उसे देखते ही फरीदी का मुख क्रोध के कारण लाल हो गया। बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर रेशम का फूलदार लंबा लिबाता था और होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी। तुम दूसरों को हंसाने की चेष्टा में भांड हुए जा रहे हो, आप गलत समझे, हमीद ने गंभीरता से कहा।
मैं वास्तव में शीशे के सामने एक गूंगी लड़की का अभिनय कर रहा था। बैठ जाओ, तुम्हें लाज नहीं लगती? भला नौकर क्या कहते होंगे? मुझे नौकरो, चुप रहो। फरीदी वास्तव में झुंझला गया। जो कुछ कह रहा हूं उसे कान खोलकर सुनो। मेरे कान बंद नहीं है। तुम कल संध्या को फिर स्प्रिंग कॉटेज गए थे और वहां तुमने जो हुल्लड़बाजी की है उसकी रिपोर्ट ऑफिस में आ गई है। रिपोर्ट किसने की है? स्वयं ग्रेटा ने। अरे, हमीद अपने सर पर हाथ फेरने लगा। तुम्हारे कारण मेरी बड़ी बदनामी हो रही है। तो फिर मुझे गोली मार दीजिए। हमीद उखड़ गया। नहीं, अच्छा यही होगा कि तुम मेरी कोठी खाली कर दो और जितनी जल्द हो सके यहाँ से चले जाओ, फरीदी ने अत्यंत गंभीरता से कहा। हमीद बौखलाकर उसे घूरने लगा। इतने में टेलीफोन की घंटी बज उठी। फरीदी ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, हाँ फरीदी ही बोल रहा हूँ। ओह, आप है, जय हिंद। क्या? बिल्कुल ऐसा लगा मानो फरीदी के शरीर में बिजली का तार लग गया हो। वह आंखें फाड़े हुए मुंह खोले सुनता रहा, फिर बोला, देखिए इस घटना से अवश्य किसी ने अनुचित लाभ उठाया है, विश्वास कीजिए ये असंभव है। वह फिर दूसरी ओर से बोलने वाले की बातें सुनने लगा। हमीद को फरीदी की यह बात बड़ी बुरी लगी थी। वह जाने के लिए मुड़ा, किंतु फरीदी ने बड़ी व्याकुलता से हाथ उठाकर उसे रुकने का संकेत किया। जब हमीद इस पर भी न माना तो फरीदी ने माउथपीस पर हाथ रखकर बड़े कर्कश स्वर में कहा, ठहर जाओ। हमीद रुक गया। फरीदी ने माउथपीस में कहा, मैं अभी उपस्थित होता हूँ, उसे भी लाऊंगा। उसने रिसीवर रखकर हमीद की गर्दन पकड़ ली। जाते कहा हो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। क्षमा कीजिएगा, मैं गंभीर हूँ, हमीद ने बड़े रूखे स्वर में कहा। मैं भी गंभीर हूँ और हो सकता है कि मेरी गंभीरता तुम्हें फांसी तक पहुंचा दे। हमीद कुछ नहीं बोला। क्रोध के कारण उसका मुंह लाल हो रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह अपनी जबान रोकने के लिए पूरी शक्ति से काम ले रहा हो। अभी अभी डीआईजी ने फोन कर सूचना दी है कि ग्रेटा मर गई। क्या? हमीद घबरा कर एकदम पीछे हट गया। हाँ, उसकी लाश स्प्रिंग कॉटेज में पड़ी हुई है। पुलिस वहां पहुंच चुकी है और डीआईजी साहब भी उपस्थित है। डीआईजी को वहां क्या काम? हमीद ने चकित होकर पूछा। तुम्हारे कल वाली संध्या की ऊधमबाजी की रिपोर्ट उन्हें भी मिल चुकी है। अंततः जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ग्रेटा की मृत्यु सांप के काटने के कारण हुई है तो वो सांप? हमीद भयभीत होकर बोला। हाँ, उसके दाहिने पैर में सांप के काटने का निशान मौजूद है। अवश्य मुझे किसी ने फंसा दिया, हमीद बोला। फरीदी तो पागल है, फरीदी ने व्यंग करते हुए कहा। उसे तो बेकार संदेह करने की आदत पड़ गई है, वह गलत सोचता है। मगर हमीद साहब, ये क्या हुआ? हमीद कुछ नहीं बोला, उसका मुंह पीला पड़ गया। ग्रेटा के नौकरों ने भी तुम्हारे विरुद्ध गवाही दी है और एक आदमी और है, कैलब। कल उसने भी तुम्हारे हाथ में सांपों का थैला देखा था। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हमीद कांपता हुआ बोला। बुरे से भी अधिक बुरा, फरीदी चिंतित होकर बोला। खैर, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें वहां इसी समय पहुंचना है। मैं भी चलू? हाँ, तुम चिंता मत करो। तुम कभी कभी फरीदी को बुद्धू समझने लगते हो ना। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फरीदी क्या है। मैं तो बड़े खतरे में घिर गया। तुम्हारी इस मूर्खता से अपराधी सावधान हो गए और उन्होंने न केवल ग्रेटा को ठिकाने लगा दिया बल्कि तुम्हें भी विपत्ति में फंसा गए। अब हमारे पास उनका कोई सुराग नहीं है। ग्रेटा एक अच्छा साधन थी। खैर, मैं देखूंगा, जल्दी तैयार हो जाओ। हमीद सचमुच बौखला गया। वह साहसहीन नहीं था, कायर भी नहीं था, मगर जब वह यह देखता कि वह कानून के बंधन में आने वाला है तो बड़ी जल्दी घबरा जाता था। परिस्थिति का विचार करते हुए तो हमीद ही को ग्रेटा की मृत्यु का उत्तरदायी समझा जा सकता था, क्योंकि कोई अदालत इसे स्वीकार नहीं करती कि सारे सांप विष रहित रहे होंगे और न इसी बात का कोई ठोस प्रमाण एकत्रित किया जा सकता था कि हमीद सारे सांप समेट लाया होगा। कि संभव था कि एक आध कहीं छिपा हुआ रह गया हो। थोड़ी देर के बाद फरीदी की कैडिलैक सड़क पर फर्राटे भर रही थी। तुमने सांप किस कैच से निकाले थे? फरीदी ने पूछा। कैच नंबर 4 से, हमीद बोला। मुझे विश्वास है कि उसमें कोई विषैला नहीं। ठीक है, मैं उन्हें देखता हूँ, फरीदी बोला। फिर दोनों मौन हो गए, वो दोनों ही चिंतित थे। स्प्रिंग कॉटेज के सामने कई पुलिस कारें खड़ी थी और फाटक पर दो सिपाही तैनात थे। फरीदी और हमीद को कार से उतरता देखकर दोनों सीधे खड़े हो गए। क्या डीएसपी साहब भी है? फरीदी ने पूछा। जी हाँ, एक सिपाही बोला। वो दोनों अंदर आए।
यहाँ 7-8 पुलिस वाले के अतिरिक्त गुप्त विभाग के डीआईजी भी उपस्थित थे। डीआईजी ने हमिद को देखकर मुंह फेर लिया, लाश अंदर है। डीएसपी ने फरीदी से इस गांव में कहा मानो वो मुर्दा उठाने का कार्य करता हो। आजकल फिर इन दोनों में खटपट हो गई थी। मेरे साथ आओ, डीआईजी ने फरीदी और हमिद की ओर देखते हुए कहा। वह उन्हें उस कमरे में लाया जहां ग्रेटा की लाश पड़ी हुई थी। हमिद ने उसे भयपूर्ण नेत्रों से देखा। वह चित हड्डी हुई थी। उसके शरीर पर रात के पहनकर सोने वाला कपड़ा था, मगर यह सोने वाला कमरा नहीं था, बल्कि वही कमरा था जहां हमिद ने गत संध्या को अपने कुर्तब दिखाए थे। सबसे पहले लाश किसने देखी, फरीदी ने पूछा। डीआईजी उसे आश्चर्य से देखने लगे। फिर उसने फरीदी से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि लाश ही देखी गई होगी? जी हाँ, मुझे विश्वास है किसी ने उसे चीखते भी ना सुना होगा, और नौकरों ने इसकी लाश प्रातःकाल यही पाई होगी। तो तुम्हें विवरण मालूम हो चुका है, डीआईजी ने कहा। जी नहीं, मुझे केवल उतना ही मालूम है जितना आपने मुझे फोन पर बताया था। उसके बाद ही मैं यहाँ चला आया। ये बात मैंने लाश देखकर कही है, ये कदाचित ड्राइंग रूम है। फरीदी मौन होकर चारों ओर देखने लगा। इसे जाने दो, डीआईजी बोला, मैं कल संध्या वाली घटना और उधमबाजी के संबंध में बातें करना चाहता हूँ। कल वाली उधमबाजी, फरीदी सांस खींचकर बोला। हमिद में वह सब कुछ मेरी एक स्कीम के अंतर्गत किया था। तुम्हारी स्कीम? जी हाँ, ग्रेटा एक खतरनाक स्त्री थी। मैं ठीक कह रहा हूँ, नखों वाली बीमारी में उसी का हाथ था। डीआईजी कुछ क्षण तक उसे आश्चर्य से देखता रहा, फिर बोला, बहुत अधिक सोचने वाले पागलपन की बातें करने लगते हैं। आपने सदैव मेरे प्रति यही विचार प्रदर्शित किया है, फरीदी मुस्कुराकर बोला। इतने में डीएसपी ने अंदर आने की आज्ञा मांगी। थोड़ी देर रुकिए, डीआईजी ने हाथ उठाकर कहा, और वह वापस चला गया। हाँ, वह नखों वाली बीमारी का क्या बात थी, डीआईजी ने कहा। इस प्रश्न पर फरीदी ने अब तक जितनी छानबीन की थी उसे संक्षेप में बताते हुए कहा, अब आप ही बताइए कि मैं इसे संयोग कैसे मान लूं कि जब ग्रेटा एक दो नहीं बल्कि हर स्थान पर रही और वह पांचों मरने वाले राष्ट्र निर्माण योजना में पूरा पूरा सहयोग दे रहे थे। अभी तक कोई साधारण आदमी उस बीमारी का शिकार नहीं हुआ। फरीदी मौन हो गया और डीआईजी कुछ सोचता रहा। फिर फरीदी बोला, ग्रेटा एक साधन थी, उस शक्ति का जिसने हमारे देश के 5 रत्नों को मौत की नींद सुला दिया। जब उसने देखा कि हम लोग ग्रेटा में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो उसने ग्रेटा को भी ठिकाने लगा दिया, क्योंकि उस शक्ति तक पहुंचने के लिए हमारे पास ग्रेटा ही एकमात्र साधन थी। अब हमारे पास उस शक्ति के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है। वो तो ठीक हो सकता है, मगर क्या यह संभव नहीं कि एक सांप यहाँ रह गया हो? नौकरों का बयान है कि उन्होंने इसी कमरे में सांप देखे थे। लाश भी उन्होंने यही पड़ी पाई थी, फरीदी ने पूछा। हाँ, डॉक्टर को विश्वास है कि यह सांपों ही के दांतों का निशान है। हाँ, मरे हुए कितना समय बीता? इसकी मृत्यु रात को 10 और 1 बजे के मध्य किसी समय हुई। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रेटा रात के 10 बजे के बाद भी किसी भी समय अपने सोने वाले कमरे से उठकर यहाँ आई और सांप ने इसे डस लिया, लेकिन वह चीखी भी नहीं और चुपचाप मर गई। संभव है नौकरों ने चीख न सुनी हो, डीआईजी बोला। और फाटक के पास बने हुए कमरों में सोते हैं। ग्रेटा इस बंगले के में अकेली थी। देखिए, अब यहाँ कई प्रश्न पैदा होते हैं। पहला तो यह कि परसों रात को इस बंगले में चोरी हो चुकी है, उसके बाद भी ग्रेटा का इस बंगले में अकेली सोना क्या आश्चर्यजनक नहीं? उचित तो यह था कि चोरी वाली रात के बाद ग्रेटा नौकरों को भी इसी बंगले में ही सुलाती। खैर, इसे छोड़िए, जरा ग्रेटा की लाश को देखिए। इसके शरीर पर रात के पहनकर सोने वाले कपड़े हैं और पैर नंगा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह अपने शयनगृह से उठकर इस कमरे में रात को किसी समय आई थी। अब प्रश्न यह है कि नंगे पैर क्यों आई थी? यह प्रश्न बेकार है। बहुत से लोगों को घर में नंगे पैर चलने की आदत होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, वह यह कि यदि संयोग से किसी घर में सांप दिखाई दे जाता है, तो उस घर के लोग हफ्तों रात को नंगे पैर या अंधकार में चलने का साहस नहीं करते। न कि ग्रेटा ने इसी कमरे में दर्जनों सांप देखे थे और फिर नंगे पैर चलती आई। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार हम लोग एकाध सांप यही छूट जाने की संभावना कर रहे हैं, उसी प्रकार क्या ग्रेटा के सामने यह बात नहीं रही होगी? सांप अधिक थे, उनमें से एक आध सांप छूट सकता था, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मेरे कहने का सारांश यह है कि अपने शयन गृह से यहाँ तक रात में ग्रेटा के नंगे पैर रहने का कारण समझ में नहीं आ रहा। मौन होकर चारों ओर देखने लगा, फिर बोला, मैं इन नौकरों से कुछ पूछना चाहता हूँ। दोनों नौकर बुलवाए गए। वो दोनों भयभीत थे।
तुम में से पहले लाश किसने देखी है? फरीदी ने पूछा। मैंने, एक ने कहा। क्या समय था? सुबह के 6 बज रहे थे। क्या यह बल्ब जल रहा था? फरीदी ने छत से लटकते हुए बल्ब की ओर संकेत करके पूछा। पता नहीं, मैंने नहीं देखा। तुमने? फरीदी ने दूसरे नौकर से पूछा। मैंने भी नहीं देखा, दूसरा बोला। इसके बाद फरीदी ने बाहर आकर पुलिस वालों से पूछा, किंतु उनमें से भी किसी ने बल्ब को जलता हुआ नहीं देखा था। डॉक्टर जा चुका था। फरीदी ने उसे भी फोन करके यही प्रश्न किया। डॉक्टर ने भी उत्तर दिया कि उसने बल्ब को जलता हुआ नहीं देखा था। अंत में DIG ने तंग आकर पूछा, आखिर इस प्रश्न से तुम क्या मालूम कर सकोगे? कुछ नहीं, मैंने ये बात मालूम कर लिया कि यह बल्ब जल नहीं रहा था। फिर ये कि काम करने वाला यहाँ जरा सा चूक गया। उसे चाहिए था कि लाश यहाँ डालने के बाद बल्ब जला देता। इससे थोड़ा बहुत धोखा तो हम खा ही सकते हैं। ग्रेटा नंगे पैर अंधेरे में इस कमरे में आई। ये बात एक मूर्ख आदमी भी मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता, जबकि वह सांपों को इसी कमरे में देख चुकी थी। खैर, ये बताइए कि किसी ने उसका सोने वाला कमरा देखा है? नहीं, क्यों? मेरा विचार है कि सांप ने वही काटा होगा, फरीदी बोला। फिर वह DIG को लेकर ग्रेटा के सोने के कमरे में गया और पलंग पर एक नजर डालने के बाद DIG से बोला, काम करने वाले ने यहाँ भी ठोकर खाई है। कदाचित वो बहुत जल्दी में था। देखिए, बिस्तर पर शिकन मौजूद है। ऐसा मालूम होता है जैसे इस पर सोने वाली ग्रेटा बड़ी व्याकुलता से मचलती रही हो। मेरा विचार है कि एक आदमी ने उसका मुंह दबाए रखा था और दूसरे ने उसके पैर के अंगूठे से सांप का मुंह लगा दिया। लेकिन इसकी भी क्या आवश्यकता थी? निशान बनावटी दांतों में डालकर जहर का इंजेक्शन भी तो दिया जा सकता है। भला इतने खतरनाक सांप कौन साथ लिए फिरेगा? कोई कुछ नहीं बोला। फरीदी ने आगे बढ़कर मेज की दराजे खोली और उसमें रखी हुई वस्तुओं को बड़ी तेजी से उलटता पलटता गया, किंतु उसे वह शीशी नहीं मिली जिसमें उसे गत रात्रि को कई रंगों के कैप्सूल देखे थे। आप क्या कर रहे हो तुम? DIG ने पूछा। मुझे एक वस्तु की तलाश है जिसके बारे में मैं फिर कभी आपसे बताऊंगा। मुझ पर विश्वास रखिए और लाश का पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। मैं एक भयंकर षड्यंत्र की गंध पा चुका हूँ। पता नहीं DIG फरीदी के तर्क से संतुष्ट हुआ या नहीं, मगर उसने इस बारे में फिर और कुछ नहीं पूछा। DSP ने हमीद से कुछ पूछना चाहा, किंतु DIG ने उसे रोक दिया। फरीदी पर उसे पूरा विश्वास था और वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो, फरीदी उसके विश्वास को आहत नहीं कर सकता। जिस दिन ग्रेटा की लाश मिली थी उसी रात को एक विचित्र घटना घटी जिसकी सूचना पुलिस को दूसरे दिन सवेरे मिली। कोतवाली में उपस्थित होने वाले शहर के कब्रिस्तान, वह स्थान जहां मुसलमानों के मुर्दे गाड़े जाते हैं, के रक्षक थे। उन्होंने बताया कि पिछली रात को कुछ लोग कब्रिस्तान में आए और उन्होंने एक कब्र खोदनी आरंभ की। ये बात रक्षकों के लिए आश्चर्यजनक थी। अंततः वो पता लगाने के लिए वहां पहुंचे तो कई राइफलों के नाले उनकी ओर उड़ गई। उनसे कहा गया कि वह चुप रहे, नहीं तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। कब्र खोदकर उन आदमियों ने एक लाश निकाली जिससे दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने उस सड़ती हुई लाश से बहुत सा मांस काटकर एक विचित्र प्रकार के बर्तन में रखा और लाश को वही छोड़कर चले गए। रक्षक जहां थे वही खड़े रहे। उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। पुलिस वालों के लिए ये आश्चर्यजनक सूचना थी। इधर पुलिस वाले ये तहकीकात करने के बाद कब्रिस्तान से निकले और उधर सारे शहर में आतंक छा गया। आतंक छाने का मुख्य कारण ये था कि वो लाश पहचान ली गई थी। वो नखों वाली बीमारी के चौथे शिकार डॉक्टर रशीद की लाश थी जो कीटाणुओं का विशेषज्ञ था। पुलिस वालों के लिए यह घटना विचित्र थी, किंतु फरीदी के लिए उससे भी कुछ अधिक। जैसे ही उसे सूचना मिली कि वह हमीद को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया, लाश अब भी कब्र के बाहर पड़ी हुई थी और इतनी अधिक दुर्गंध फैल रही थी कि नाक देना दुष्कर था। हमीद तो लाश के समीप भी नहीं गया, किंतु फरीदी नाक पर रुमाल रखे कई मिनट तक उस पर झुका रहा। फिर उसने लाश के पास से ही कोई वस्तु उठाई और अलग हटाया। कुल्हों का मांस काटा गया है, उसने हमीद से कहा। अब चलिए भी, यह कितनी दुर्गंध है। हाँ चलो। वो दोनों कब्रिस्तान से निकल आए। मगर इसका क्या अर्थ हो सकता है? हमीद ने पूछा। मैं खुद नहीं समझ सका, मगर एक बात है कि अपराधी काफी चतुर जान पड़ते हैं। हो सकता है कि उन्होंने हमें उलझाने के लिए यह सब किया हो। जो भी हो, लेकिन अपराधियों को मालूम हो चुका था कि मैं ग्रेटा पर किसी प्रकार का संदेह कर रहा था।
और ग्रेटा के मर जाने के बाद हमारे लिए सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। हमीद बोला, हाँ। अरे आप प्रोफेसर राग को क्यों छोड़ रहे हैं? मैं सबको बारी बारी देखूंगा, अभी वो एंग्लो इंडियन भी तो है। कौन? कैलब? हाँ, मगर हमीद एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर उस रात स्प्रिंग्स कॉटेज में दूसरा आदमी कौन था? किस रात? जिस रात को मैंने ग्रेटा के सर्टिफिकेट चुराए थे, वो भी चोरों ही के समान गुस्सा था और कदाचित उसे भी किसी वस्तु की तलाश थी। ये बात भी ध्यान देने योग्य है, हमीद बोला। अगर वो अपराधियों में से ही कोई था तो फिर उसका यह कार्य आश्चर्यजनक था। फरीदी कुछ नहीं बोला। वो दोनों केडिलाक में बैठकर वहां से चल दिए। मार्ग में फरीदी ने कहा, ग्रेटा की मृत्यु के बाद मैंने उन रंगीन कैप्सूलों के लिए पूरा मकान छान डाला, मगर वो नहीं मिले। आखिर आपको कैप्सूलों का इतना ध्यान क्यों है? मिस्टर हमीद, इस केस में सबसे महत्वपूर्ण वही कैप्सूल है। आज संध्या को DIG के सामने मैं तुम्हें उन कैप्सूलों का तमाशा दिखाऊंगा। तो क्या आपका विचार यह है कि उन्हीं कैप्सूलों द्वारा ही शराब तक विष पहुंचाए जाते रहे हैं? हाँ, इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ, बस संध्या को ही देखना। तुम्हारी सांपों वाली मूर्खता के आधार पर मुझे DIG का भी तो संदेह दूर करना है। एक स्थान पर फरीदी ने केड़ी रोक दी और हमीद से उतरने को कहा। फिर थोड़ी देर के बाद वो एक इमारत के सामने खड़े थे जिसके दरवाजे पर प्रोफेसर रॉक के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। फरीदी ने घंटी बजाई। काफी देर बाद प्रोफेसर रॉक स्वयं बाहर निकला। हमीद ने देखा कि उसका हुलिया ही बदला हुआ था। प्रोफेसर के नेत्र फूले हुए थे, ठीक उसी प्रकार जैसे अधिक रोने के कारण हो जाते हैं। नेत्रों के अंदर गहरी लाली थी। क्या है? उसने क्रोधित होकर पूछा। क्या तुमने हमें पहचाना नहीं? नहीं, प्रोफेसर रॉक बोला। उसकी नहीं, पर फरीदी ने नियाग्रा होटल से वापसी वाली कहानी उसे याद दिलाई। ओह, तो तुम वह हो, सारी विपत्तियों का कारण। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। रॉक का क्रोध और तीव्र हो गया था। उसके नेत्र आग के अंगारों के समान लाल हो उठे। वह कुछ क्षण तक फरीदी को घूरता रहा, फिर उसने बालकों के समान फूट फूट कर रोना आरंभ कर दिया। क्या बात है प्रोफेसर? फरीदी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसने फरीदी का हाथ झटक दिया। जाओ, बस चले जाओ, प्रोफेसर रॉक चीख कर बोला। क्या नहीं सुनते? बहरे हो गए हो? जाओ यहाँ से, चले जाओ। हमीद चकित होकर उसे घूरता रहा। क्या बात है प्रोफेसर, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, फरीदी ने नम्रता से पूछा। चले जाओ, तुमने मेरा सुख छीन लिया, मेरी शांति छीन ली। मैंने? क्या कह रहे हो प्रोफेसर, मैंने क्या किया? तुमने ही मुझे ग्रेटा के पीछे नहीं लगाया था, रॉक रोने लगा। तो इसमें रोने की क्या बात है प्रोफेसर? मैं रोता नहीं हूँ, रॉक चिल्ला कर बोला और आंसू पोंछता हुआ अंदर भाग गया। हमीद ने चकित होकर फरीदी की ओर देखा। आओ, फरीदी आगे बढ़ता हुआ बोला। वो दोनों अंदर चले गए। दिन के प्रकाश में भी गलियारा अंधकार में था। वो दोनों शीघ्र ही रॉक के पास पहुंच गए, जो सोफे पर औंधा पड़ा मुंह फोट फोट कर रो रहा था। वह दोनों चुपचाप खड़े रहे। अचानक रॉक सीधा हो गया और आंसू पोंछता हुआ बोला, जाओ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? वो मर गई, रॉक ने चीख कर कहा। तो उसे मरने दो, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं पागल हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी मरना चाहता हूँ। सूखी हुई घासों के ढेर में तुमने एक चिंगारी फेंक कर उसे जला डाला। तुमने मेरा ध्यान ग्रेटा की ओर क्यों आकर्षित किया? ओह, फरीदी गंभीरता से बोला, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमको ग्रेटा से प्रेम हो गया था और तुम? चुप रहो, चले जाओ यहाँ से, ईश्वर के लिए चले जाओ। मैं पागल हो गया हूँ, मेरी किसी बात पर विश्वास मत करना। मेरा मस्तिष्क मेरे अधिकार में नहीं है, किंतु मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ग्रेटा की मृत्यु किसी संयोग पर निर्धारित नहीं की जा सकती। ये तुम कैसे कह सकते हो प्रोफेसर? देखो, मैं बताता हूँ, लेकिन क्या करोगे सुनकर? जाओ, अब कोई दूसरी सुंदर स्त्री तलाश करो, तुम्हें मांस ही तो चाहिए। जाओ। प्रोफेसर, कदाचित तुम मुझे पहचानते नहीं, फरीदी ने कहा और जेब से अपना परिचय कार्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। ओह, प्रोफेसर अचानक गंभीर हो उठा, तो तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने अभी एक बात अपने पूरे विश्वास के आधार पर कही थी। मैं रॉक हकलाया, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। हाँ प्रोफेसर, तुम बहुत बुद्धिमान हो और एक बुद्धिमान आदमी कोई बात बिना प्रमाण के नहीं कहता। तुमने किस प्रमाण के आधार पर यह कहा था कि ग्रेटा की मृत्यु संयोग पर निर्धारित नहीं की जा सकती? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा मस्तिष्क मेरे अधिकार में नहीं है। तो अब तुम कानून को धोखा देने का प्रयत्न कर रहे हो,
फरीदी बोला। रॉक ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह सर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। नहीं नहीं प्रोफेसर, अवश्य बताएंगे, हमीद बोला। सर्टिफिकेट की चोरी का क्या अर्थ है, अचानक रॉक ने प्रश्न किया। यह अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। एक दिन पहले उसके सर्टिफिकेट चुराए गए और दूसरी रात उसे सांप ने डस लिया। विवरण रहने दो, फरीदी बोला। केवल ये बताओ कि तुम उसकी मृत्यु का संयोग पर क्यों निर्धारित नहीं कर रहे हो। बस वैसे ही, आखिर चोर को उसके सर्टिफिकेट से क्या मिलेगा? प्रोफेसर, इससे काम नहीं चलेगा। मैं ग्रेटा की मृत्यु के बारे में जांच कर रहा हूँ। मुझे भी इस बात का विश्वास है कि ग्रेटा की मृत्यु संयोग पर निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन इसके लिए मेरे पास ठोस प्रमाण नहीं है। तो फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? इसलिए कि संभव है तुम्हारा प्रमाण अधिक जानदार हो और मैं उसी के आधार पर अपराधियों तक पहुंच सकूं। ठहरो, रॉक अपना सिर पकड़कर बोला। तुमने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है, मुझे सोचने दो। वो थोड़ी देर तक सर झुकाए बैठा रहा, फिर सर उठाकर बोला, क्या तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगे? क्यों नहीं? मान लो कि मैं ये कहूँ कि चोरी वाली रात को मैं भी स्प्रिंग कॉटेज में मौजूद था। तुम, अर्थात ग्रेटा की उपस्थिति में? नहीं, उस समय जब चोर कदाचित उसके सर्टिफिकेट तलाश कर रहा था। क्या ग्रेटा को तुम्हारी उपस्थिति के बारे में मालूम था? नहीं, मैं आज तक उससे मिला ही नहीं। फिर तुम वहां क्या करने गए थे? मैं भी चोरी ही करने गया था। चोरी करने? फरीदी ने चकित होकर उसकी बात दोहराई। हाँ, मेरा दिमाग उलट गया है। ठहरो, मैं वह वस्तु तुम्हें दिखाता हूँ जो मैंने वहां से चुराई थी। प्रोफेसर रॉक उन दोनों को वही छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। फरीदी और हमीद चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर बाद प्रोफेसर आ गया। उसके हाथ में एक लिफाफा था, जिसे फरीदी की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, मैंने यह चुराया था, केवल यही। क्या यह पागलपन नहीं है? लेकिन इसी लिफाफे में मुझे एक पत्र भी मिला था, इसे पढ़ो, इसी आधार पर मैंने ये बात कही थी। फरीदी ने लिफाफा खोला, उसमें उसको दो वस्तुएं मिली। एक तो ग्रेटा का चित्र था, दूसरा टाइप किया हुआ एक पत्र था। फरीदी ने उसे पढ़कर हमीद की ओर बढ़ा दिया। लिखा था, ग्रेटा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस प्रकार मारी जाओगे कि सुनने और देखने वालों के रोए खड़े हो जाएंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी है। पीसी। हमीद ने प्रश्नात्मक दृष्टि से फरीदी की ओर देखा। तो तुम इस चित्र के लिए वहां गए थे? फरीदी ने रॉक से पूछा। अब समाप्त करो, रॉक झल्ला कर बोला। क्यों मुझे बार बार लज्जित कर रहे हो? प्रत्येक आदमी में कुछ न कुछ कमजोरी होती ही है। मगर प्रोफेसर, तुम स्प्रिंग कॉटेज में घुसे कैसे थे? ओह, रॉक अपने बाल नोचता हुआ बोला, क्या तुम भी पागल हो गए हो? अच्छा ये बताओ कि वो आदमी कौन था जिसने ग्रेटा की सिफारिश करने के लिए तुमसे कहा था? मुझे उसका नाम याद आ गया है, मगर तुम उस आदमी को जानकर क्यों लाभ उठा सकोगे? प्रोफेसर, मैं अपने प्रश्नों का सीधा और साफ उत्तर चाहता हूँ। वो आदमी कैलब था। कैलब? हमीद चौंक पड़ा। बस एक बात और, फरीदी ने जेब से नोटबुक निकालते हुए कहा, कैलब का पता मुझे नोट करा दो। नंबर 13 प्रिंस स्ट्रीट, रॉक ने कहा। अच्छा, धन्यवाद। फरीदी मेज से लिफाफा उठाता हुआ बोला, मैं इसे लिए जा रहा हूँ। नहीं, रॉक उछल कर खड़ा हो गया, तुम तस्वीर नहीं ले जा सकते। ये मत भूलो कि तुम इसे चुरा कर लाए थे, फरीदी मुस्कुराकर बोला। तो लगाओ ना मेरे हाथों में हथकड़िया, सड़क पर ले जाकर अपमानित करो, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ। फरीदी ने लिफाफे से तस्वीर निकाल कर रॉक को दे दी। फिर वह और हमीद हंसने लगे। रॉक गालियां बकने लगा। वो दोनों हंसते हुए बाहर निकल आए। कैडी में बैठते ही एक बार फिर हमीद पर हंसी का दौरा पड़ा। क्यों, क्या बात है? फरीदी ने पूछा। साले पर बुढ़ापे में इश्क सवार हो गया है। बुढ़ापे में शरीर के समस्त अंग कमजोर हो जाते हैं और इश्क भी एक कमजोरी का नाम है। कैडिलाक प्रिंस स्ट्रीट की ओर जा रही थी और हमीद बार बार प्रोफेसर रॉक की बौखलाहट याद करके हंस रहा था। चलो यह भी समस्या हल हो गई। कौन सी? हमीद ने पूछा। यही कि उस रात को स्प्रिंग्स कॉटेज में मेरे अतिरिक्त और कौन था? प्रिंस स्ट्रीट में कोठी नंबर 13 के सामने कैडिलाक खड़ी हो गई थी। फरीदी ने अपना कार्ड अंदर भिजवाया। उन्हें अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। नौकर उन दोनों को एक कमरे में लाया जहां तीन आदमी पहले से ही उपस्थित थे। कैलब सामने ही बैठा था, हमीद ने उसे पहचान लिया। शेष दो आदमी दीवार की ओर मुखिए खड़े थे, किंतु जैसे ही वह दोनों इन दोनों के सामने मुड़े, हमीद चकित हो उठा। वो दोनों भी कैलब ही थे, अर्थात एक ही सूरत की तीन मूर्तियां, तीन आदमी थे। फरीदी ने ध्यानपूर्वक उन तीनों को देखा और मुस्कुराने लगा। सोफे पर बैठा हुआ आदमी उठा और बोला, कहिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ?
हमें मिस्टर कैलब से मिलना है, फरीदी बोला। किस कैलब से? उसने हंसकर पूछा। शेष दोनों कैलब भी मुस्कुरा रहे थे। फरीदी ने हमीद की ओर देखा और हमीद ने सिर झुका लिया। मुझे पहला नाम तो मालूम नहीं, फरीदी बोला। ये तो बड़ा कठिन है, पहले ने कहा। हम चार भाई हैं और चारों की सूरत एक ही समान है। हम स्वयं कभी कभी आपस में भी धोखा खा जाते हैं। मेरा नाम हार्डी कैलब है, यह मोरेंटिन कैलब है और यह हैंगर कैलब है। चौथा जो यहाँ नहीं है उसका नाम ऑस्कर कैलब है। फरीदी और हमीद ने फिर एक दूसरे की ओर देखा। मुझे उस कैलब से मिलना है जिसका संबंध ग्रेटा से था, फरीदी बोला। कौन? वह नर्तकी जिसे सांप ने डस लिया था? हाँ, वो कैलब में तो नहीं हो सकता, पहले वाले ने कहा। क्या तुम दोनों में से कोई था? उसने दूसरे दोनों से पूछा। नहीं, दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। तब तो वह ऑस्कर कैलब ही हो सकता है, पहले वाले ने फरीदी से कहा। मगर बात क्या है ऑफिसर, हमें ग्रेटा के संबंध में कुछ बातें मालूम करनी थी। ओह, लेकिन ऑस्कर कैलब तो इस समय उपस्थित नहीं है। अच्छी बात है, जब वो आए तो उसे मेरे ऑफिस में भेज देना, मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ। आप अपना संदेश कार्ड के पीछे लिख दीजिए, नहीं तो वो कभी विश्वास नहीं करेगा, यही समझेगा कि हम उसे घिस रहे हैं। फरीदी ने कार्ड लेकर उसकी दूसरी ओर लिख दिया, फिर वो वहां से चल दिए। मार्ग में दोनों मौन थे। वास्तव में उन दोनों को ही एक दूसरे के रिमार्क की प्रतीक्षा थी। अंत में हमीद बोला, यह एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना थी कि बुद्धि नहीं काम कर रही है। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है, फरीदी बोला। कभी कभी एक सूरत शक्ल के दो आदमी दिखाई दे जाते हैं और फिर वह तो सगे भाई है। अगर उनकी सूरतें मिलती जुलती है या एक जैसी है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। मगर उस्ताद, मेकअप तो नहीं था? मैं इस संबंध में विश्वस्त रूप से कुछ नहीं कह सकता। कमरे में इस प्रकार का प्रकाश था कि मैं कुछ समझ ही न सका। यह नीले रंग की मरकरी लाइट बड़ी बेकार वस्तु है, लेकिन इतना तो अवश्य कहूंगा कि उस कमरे का वातावरण बड़ा विचित्र था। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो दोनों दीवार की ओर मुंह किए खड़े थे और तीसरे का मुंह दरवाजे की ओर था। हमारे प्रवेश करते ही वो दोनों इस प्रकार मुड़े थे जैसे हमें चकित करना चाहते रहे हो। तो फिर हमें वहां से इस प्रकार नहीं चले आना चाहिए था। चिंता न करो, ये बेकार नहीं जाएगा, फरीदी बोला। उसी दिन संध्या को फरीदी के विभाग का DIG उसकी प्रार्थना पर उसकी कोठी में आया। फरीदी ने सारी व्यवस्था पहले से ही ठीक कर रखी थी। उसे वास्तव में DIG का इस बात का विश्वास दिलाना था कि नखों वाली बीमारी के प्रति उसका जो संदेह है वो निर्मूल नहीं है। अगर हमीद ने सांपों वाली उधमबाजी करके अपनी पोजीशन खतरे में न डाल ली होती तो फरीदी अभी कुछ नहीं बताता। अब उसे हमीद की पोजीशन साफ करनी थी और इसके लिए फरीदी को अपना भेद खोलना आवश्यक हो गया था। यद्यपि फरीदी की प्रार्थना पर उसके विभाग ने इस बात की व्यवस्था कर ली थी कि ग्रेटा की मृत्यु के सिलसिले में हमीद का नाम समाचार पत्रों में न आए, किंतु फिर भी फरीदी के ऑफिसरों को संदेह दूर नहीं हुआ था। DIG ने फरीदी के अनुभवशाला में पहुंचकर वहां की सारी वस्तुएं देखी और फिर विनोद से कहा, ये तो सचमुच एक पूरी लेबोरेटरी है, भला तुम्हारे सामने कौन टिक सकता है? शौक ही तो है, फरीदी मुस्कुराकर बोला। फिर उसने हमीद को संकेत दिया। हमीद ने आगे बढ़कर अलमारी खोली और उसमें से शराब की कुछ बोतलें निकाली, कुछ गिलास निकाले और एक सोडे का साइफन। DIG बड़े आश्चर्य से यह सब देखता रहा, फिर बोला, जानते हो कि मैं शराब नहीं पीता। मैं भी नहीं पीता, किंतु इस परीक्षण के लिए शराब का होना आवश्यक है। हमीद के बोतले खोल खोल कर कई गिलास भर दिए, विभिन्न रंग की थी। अब ये देखिए, ये कुछ कैप्सूल है, दीदी ने कहा, और कई रंगों के कुछ कैप्सूल DIG के सामने रखता हुआ बोला, यह ग्रेटा के पास थे। ये सब एक ही शीशी में रखे हुए थे, लेकिन ग्रेटा के मरने के बाद वह शीशी नहीं मिली जिसमें ये थे। अब आप ये सोच रहे होगे कि यह कैप्सूल मेरे पास कैसे पहुंचे। फरीदी एक क्षण के लिए रुका, फिर उसने स्प्रिंग कॉटेज में उस रात की तलाशी की कहानी दोहरा दी, किंतु ये नहीं बताया कि सर्टिफिकेट उसी ने चुराए थे। लेकिन तुम्हारा ये काम बिल्कुल गैर कानूनी था, DIG बोला। कभी कभी कानून की रक्षा के लिए कानून को तोड़ना भी पड़ता है, DIG कुछ नहीं बोला। फरीदी ने कैप्सूल उठाकर कहा, कैप्सूल सोडा बाइकार में मिले हुए पानी में नहीं खुलते, किंतु शराब में चाहे जितना सोडा क्यों न मिला दो, ये फौरन खुल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार उसने एक गिलास में लाल रंग का कैप्सूल डाल दिया। शराब पानी के रंग की थी, इसलिए कैप्सूल घुलता हुआ साफ दिखाई दिया। वह एक क्षण तक शराब के ऊपर तैरता रहा, फिर घुल गया। अब इधर देखिए, फरीदी ने दूसरा कैप्सूल खालिस सोडे के गिलास में डालते हुए कहा। कैप्सूल सोडे के ऊपर तैरता रहा। फरीदी ने कहा, ये कभी नहीं घुलेगा, मैंने इसे सोडे में रात भर डाले रखा है, लेकिन घुलने को कौन कहे, इसमें जरा सी नमी भी नहीं आई।
खालिस पानी में क्या दशा होती? डीआईजी ने पूछा। उसमें भी घुल जाता है, किंतु इतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से शराब में घुलता है। बड़ी विचित्र बात है, डीआईजी ने कहा। कैप्सूल को तो हर प्रकार के तरल पदार्थ में घुल जाना चाहिए, लेकिन यह खालिस सोडे में क्यों नहीं घुलता? यह अभी तक उसी प्रकार तैर रहा है। मेरा विचार है कि कैप्सूल चावलों के स्टार्च से बनाया जाते हैं। जी हाँ, लेकिन ये कैप्सूल चावलों से नहीं बनाए गए। फिर अल्लाह जाने, मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया कि यह किस चीज के बनाए जाते हैं। वैसे कुछ कैप्सूल शीशे के भी होते हैं, मगर पता नहीं यह किस चीज से बनाया गया है। मगर नखों वाली बीमारी से इस परीक्षण के अनुभव का क्या संबंध है? डीआईजी ने पूछा। वही बताने जा रहा हूँ, फरीदी बोला। अगर नखों वाली बीमारी देवी का प्रकोप है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर वह मनुष्य की लाई हुई बीमारी है तो उसके दो ही रूप हो सकते हैं। पहला तो ये कि उसके लिए कोई विष प्रयोग किया जाता होगा, या फिर किसी प्रकार के कीटाणु। कुछ ऐसे भी विष होते हैं जिनका निशान नहीं मिलता, और इसीलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बेकार हो जाती है। अब रह गए कीटाणु, तो मुर्दा शरीर में उनका खोज निकालना बड़ा दुष्कर होता है। कभी कभी इसका परिणाम भी शून्य ही होता है। मेरे कहने का यह अर्थ है कि चाहे वो विष हो या कीटाणु, इन कैप्सूलों में रहकर उन्हें बड़ी सरलता से शराब में डाला जा सकता है। और इन्हीं रंग बिरंगी कैप्सूलों तथा शहर के बड़े बड़े विद्वानों की मृत्यु ने मुझे इस बात का विश्वास दिला दिया है कि यह नखों वाली बीमारी आदमी की लाई हुई है, देवी का प्रकोप नहीं है। फरीदी चुप होकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, ग्रेटा का वह नृत्य मैंने भी देखा है। डॉक्टर शारदा की मेज पर पीले रंग की मदिरा थी, और ग्रेटा के हाथ में पीले रंग का रेशमी रुमाल भी था, जिसे नृत्य करते समय अपनी चंचलता प्रदर्शित करने के लिए वह तमाशा देखने वालों के सरों पर हिलाती जा रही थी। अब अगर पीले रंग का एक कैप्सूल पीले रंग के रुमाल से निकलकर पीले ही रंग की शराब में गिर पड़े तो किसी को क्या पता चल सकता है? केवल थोड़ी सी हाथ की सफाई चाहिए, और ये तो आप देख ही चुके हैं कि वह शराब में गिरते ही इस प्रकार घुल जाता है जैसे पानी में बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा। फरीदी ने अपनी जेब से पीले रंग का एक रुमाल निकाला और पीले रंग की शराब का गिलास डीआईजी के सामने रखता हुआ बोला, देखिए, मैं पीले रंग का कैप्सूल इस गिलास में डालने जा रहा हूँ, जैसे ही ये गिरे मुझे बता दीजिए। फरीदी ने ठीक उसी भाव से रुमाल को डीआईजी के चेहरे पर लहराया जैसे ग्रेटा नाश्ते समय लहराया करती थी। डीआईजी बड़े ध्यान से गिलास की ओर देख रहा था। कहिए, कैप्सूल गिरा या नहीं? फरीदी ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, फरीदी ने हाथ रोक लिया और मुस्कुराकर बोला। श्रीमान जी, वह गिलास में गिर चुका है, मगर मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा था ना कि बस थोड़ी सी हाथ की सफाई चाहिए। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर डीआईजी बोला, यद्यपि अभी तक मैं मामले को ठीक तरह से समझ नहीं सका हूँ, किंतु फिर भी दो आधारों के कारण तुम्हारी बातों पर विश्वास करने को दिल चाहता है। एक तो ये कि अगर दैविक प्रकोप होता तो फिर इसी शहर तक क्यों सीमित रहता? दूसरे ये कि बड़े ही बड़े लोग क्यों इस बीमारी का शिकार होते? लेकिन आप इस बात पर भी विश्वास कर लीजिए कि अपराधी अपनी इस मूर्खता पर पर्दा डालने के लिए शीघ्र ही चेष्टा करेंगे। मैं नहीं समझा, डीआईजी बोला। अब आप उस बीमारी का शिकार होते हुए दो चार साधारण लोगों को भी देखेंगे, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। वह लोग सावधान हो गए हैं। अगर ग्रेटा के मामले में मैं जल्दी न करता तो बहुत अच्छा होता। उनके सावधान हो जाने का सबसे मुख्य प्रमाण यही है कि उन्होंने ग्रेटा को मार डाला। क्या अपराधियों तक पहुंचने का तुम्हारे पास कोई साधन है? जी नहीं। हाँ, अगर वो आदमी मिल जाए जिसने सांपों वाले मामले में हमीद के विरुद्ध गवाही दी है तो शायद कोई सूत्र हाथ लग जाए। वो तो कोई एंग्लो इंडियन था, डीआईजी ने कहा। जी हाँ, उसका नाम कैलब है, फरीदी बोला। हमीद सोच रहा था कि फरीदी उन तीनों कैलबों की बात भी छेड़ेगा, मगर फरीदी उस मामले में कुछ नहीं बोला। यह उसकी पुरानी आदत थी कि किसी केस के मध्य में वो अपने ऑफिसरों को पूरी रिपोर्ट नहीं देता था। और हाँ, वो डॉक्टर रशीद की लाश का मामला? डीआईजी ने पूछा। इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है कि अपराधी मामले को उलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं? वैसे सड़ी हुई लाश से मांस काटने का और कोई दूसरा अर्थ तो समझ में नहीं आ रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि हम बेकार चकराते फिरे। मैं तुम्हारी बातों का समर्थन करता हूँ, डीआईजी बोला। इसके बाद थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। थोड़ी देर के बाद डीआईजी उठकर चला गया। हमीद बहुत अधिक घबरा गया था। उसने कहा, आज रात मैं बाहर रहूंगा। नहीं, तुम अकेले कहीं नहीं जा सकते, बड़ी विपत्ति है। बकवास मत करो, मुझे तुम्हारी ऐसी लाश को देखकर बड़ी घिन आएगी जिसके सारे नक उठे हुए हो, समझे? मुझे इस केस से उलझन होने लगी है, हमीद बोला। क्यों? इसलिए कि अभी तक हम लोगों की परिस्थिति भी तमाशा देखने वालों ही के समान है।
ऐसे केसों में मेरा दिल नहीं लगता, ऐसी जासूसी में मुझे कोई आनंद नहीं आता। मारपीट और चैलेंजबाजी चाहते हो, है ना? फरीदी मुस्कुराकर बोला, मालूम होता है कि आजकल जासूसी उपन्यास अधिक पढ़ते हो। पुलिस से उलझने वाले आदमी इस जीती जागती दुनिया में कम मिलते हैं। चालाक और बुद्धिमान अपराधी सदैव ऐसे अवसर बचा जाते हैं। होगा, लेकिन इस जीती जागती दुनिया में औरतें तो मिलती है। यह एक थी, वह भी साफ हो गई। फरीदी झल्ला कर कुछ कहने ही वाला था कि नौकर ने कार्ड लाकर कहा, ओ। फरीदी उठता हुआ बोला। फिर उसने वह कार्ड हमीद की ओर बढ़ा दिया, जिस पर ऑस्कर कैलब ट्रैवलिंग एजेंट स्टार इंश्योरेंस कंपनी लिखा हुआ था। वो दोनों ड्राइंग रूम में आए और उन्हें एक वैसा ही चेहरा दिखाई पड़ा जैसे तीन चेहरे वह प्रिंस स्ट्रीट के एक फ्लैट में देख चुके थे। लेकिन यह आदमी निर्धन मालूम हो रहा था। इसके पतलून में कुरेज नहीं थी, कोट मैला तथा पुराना था और बालों में धूल भरी हुई थी। ऐसा लगता था मानो यह किसी बड़ी यात्रा से चला आ रहा हो। मुझे आपका कार्ड मिला, पहले मैं आपके ऑफिस गया और वहां से आपका पता प्राप्त करके सीधा यहाँ चला आ रहा हूँ। कैलब ने भयपूर्ण नेत्रों से फरीदी की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने आज तक कोई गैरकानूनी कार्य नहीं किया है। फरीदी उसे घूर कर देखने लगा। आप विश्वास कीजिए, मेरी कंपनी वाले मेरी नेक चलने की जमानत देंगे। मगर तुम्हें यह ध्यान कैसे आया कि मैं, खैर छोड़ो, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम हुआ कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ? जी नहीं, भला ये कैसे मालूम होता? आपने लिखा भी तो नहीं था। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि आपने अपना कार्ड मेरे फ्लैट में कैसे पहुंचाया। वो मुझे लिखने वाली मेज पर रखा हुआ मिला था। फरीदी ने अर्थपूर्ण दृष्टि हमीद पर डाली और फिर बोला, कैलब से कहा, क्या तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें नहीं बताया? भाइयों? कैलब आंखें फाड़ कर बोला, मैं नहीं समझा, तुम्हारे फ्लैट में तुम्हारे भाइयों से भेंट हुई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा फ्लैट तो एक महीने से बंद पड़ा रहा है। मैं दौरे पर था और आज ही वापस आया हूँ। मेरे एक भी भाई नहीं है और आप तीन तीन भाई की बात कह रहे हैं? और वह तीनों तुम्हारी ही शक्ल सूरत के थे। आप मेरा मजाक कर रहे हैं? केवल, बुरा मानकर बोला। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कि मेरा कार्ड तुम्हारी मेज पर कैसे पहुंचा? कैलब कुछ नहीं बोला। वह फरीदी और हमीद को बारी बारी देखता रहा। कुछ देर बाद उसने गला साफ करते हुए कहा, देखिए, मैं उस फ्लैट में 10 वर्ष से अकेला रह रहा हूँ। इस बात की गवाही मेरे पड़ोसी दे सकते हैं। तब तो तुम्हारा नौकर ही इस मामले को सुलझा सकता है। फरीदी बोला, अरे माशे, आप न जाने क्या क्या कह रहे हैं। मेरे पास कभी कोई नौकर नहीं रहा। मैं अधिकतर दौरे पर ही रहता हूँ, इसलिए आज तक नौकर रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस बात को भी आप मेरे पड़ोसियों से पूछ सकते हैं और वह ये भी बताएंगे कि मेरा फ्लैट पिछले एक महीने से बंद रहा है। फरीदी का मुंह लाल हो उठा। तुम ग्रेटा को जानते हो? कौन ग्रेटा? मैं किसी ग्रेटा को नहीं जानता, कैलब बोला। कैलब के बयान ने एक और उलझन उत्पन्न कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि फरीदी और हमीद को एक बार फिर प्रिंस स्ट्रीट जाना पड़ा। कैलब भी उनके साथ था। फरीदी ने वहां जाकर पूछताछ आरंभ की। कैलब के पड़ोसियों ने इस बात का समर्थन किया कि उसका फ्लैट एक महीने से बंद रहा है, किंतु एक बूढ़ी स्त्री ने बताया कि उसने आज ही सवेरे यहाँ कुछ आदमी देखे थे, नहीं तो इससे पहले उसने कभी कैलब के फ्लैट को बंद ही देखा था। क्या उनमें से कोई आदमी कैलब की शक्ल का भी था? फरीदी ने पूछा। नहीं, कोई नहीं, बुढ़िया बोली, लेकिन वह भी एंग्लो इंडियन ही थे और उनके साथ एक देसी नौकर भी था। मैं समझी शायद मिस्टर कैलब ने अपना फ्लैट पगड़ी लेकर उठा दिया है। इस बात का मुझे अत्यंत दुख हुआ था, क्योंकि मैंने कैलब से इस फ्लैट के लिए पहले ही इसे कह रखा था। उसके बाद फरीदी ने दूसरे पड़ोसियों से और बहुत सी बातें पूछी, मगर सब बेकार, कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में निराश होकर वह चुप हो गया। मैं आपकी उपस्थिति में अपनी एक वस्तु देखना चाहता हूँ, कैलब बोला। पता नहीं वो लोग कौन थे और क्या करने आए थे। अवश्य देखो। वो दोनों कैलब के साथ उसके फ्लैट में आए और कैलब अपना सामान देखने लगा। लगभग आधे घंटे देखने के बाद उसने बताया कि उसकी तमाम वस्तुएं मौजूद है। मेरा विचार है कि मुझे इसकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए, कैलब बोला। अवश्य, फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला। हमीद ने देखा कि फरीदी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। लेकिन आपने यह तो बताया ही नहीं कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, कैलब ने फरीदी से पूछा। कुछ नहीं, कुछ लोगों ने तुम्हारे प्रति मेरे दिल में संदेह उत्पन्न कर दिया था। अब तुम संतोष रखो, मुझे शिकायत नहीं। आखिर बात क्या थी? जब उसका तुझसे कोई संबंध ही नहीं है तो फिर क्यों समय नष्ट कर रहे हो, फरीदी झुंझलाकर बोला। फिर वो दोनों कैलब के फ्लैट से निकल आए।
अब क्या विचार है? हमीद ने केड़ी में बैठते हुए व्यंगपूर्ण स्वर में कहा। यह एक अपमानजनक पराजय है, फरीदी बोला, लेकिन इसके लिए उन्हें शीघ्र ही पाई पाई का हिसाब देना होगा। आपने उससे प्रोफेसर रॉक के संबंध में क्यों नहीं पूछा? जब वह ग्रेटा ही को नहीं जानता तो रॉक को क्या जानता होगा, फरीदी बोला। लेकिन इस काम से अपराधी का क्या मतलब निकालना चाहते हैं? यह प्रश्न तुमने ढंग का पूछा है, फरीदी ने केड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अपराधियों ने कैलेब को ही अपना साधन क्यों बनाया? क्या इसलिए कि वह अधिकतर शहर से बाहर रहते हैं? अगर इसे मान भी लिया जाए तो फिर यह प्रश्न सामने आता है कि इन्हें यह कैसे पता चला कि मैं आज ही कैलेब से मिलूंगा? हमारे इस समय की तहकीकात से यह बात साफ हो गई है कि उन्होंने कैलेब का फ्लैट आज ही प्रयोग किया, मगर क्यों? इन तमाम बातों से तो यही प्रमाणित होता है कि अगर अपराधी हम लोगों की एक एक बात को जानते रहते हैं, हमारी हर प्रोग्राम तक पहुंचता रहता है। कदाचित आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोफेसर रॉक भी अपराधियों का सहायक है? हमें हर बात का ध्यान रखना चाहिए, मगर मुझे विश्वास नहीं कि रॉक जैसा मूर्ख आदमी इतने भयंकर षड्यंत्र में भाग ले सकता है, हमीद बोला। अगर वह अपराधियों का साथी होता तो उसे कैलेब का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? और वह आपको यह क्यों बताता कि वह भी एक रात चोरों के समान कॉटेज में घुसा था? फरीदी कुछ नहीं बोला। हमीद थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने कहा, उस पत्र का मामला भी बड़ा विचित्र है। आए, फरीदी चौंक पड़ा। किस पत्र का? वही जो प्रोफेसर रॉक ने दिया था। मैं भी उसके बारे में सोच रहा हूँ, फरीदी बोला। पत्र लिखने वाला आखिर कौन सी बात ग्रेटा से मनवाना चाहता था? और यह भी विचित्र बात है कि वह पत्र प्रोफेसर रॉक के हाथ लगा। तो क्या आप प्रोफेसर रॉक पर संदेह कर रहे हैं, हमीद ने पूछा। तुमको प्रोफेसर रॉक से इतनी सहानुभूति क्यों है? केवल इसलिए कि वह ग्रेटा से अथाह प्रेम करता था, फरीदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। और हमीद को ग्रेटा की याद सताने लगी। यद्यपि फरीदी के तर्क से वह निरुत्तर हो चुका था, किंतु फिर भी वह यही चाहता था कि ग्रेटा को फरीदी उस षड्यंत्र में सम्मिलित न करे। अब आप कहाँ चल रहे हैं, हमीद ने पूछा। प्रोफेसर रॉक के घर। क्यों? लेकिन फरीदी ने इसको उत्तर नहीं दिया। प्रोफेसर रॉक की कोठी से लगभग एक फरलांग इधर ही फरीदी ने केड़ी रोक दी। क्या वहां तक पैदल ही चलिएगा, हमीद ने पूछा। बेकार प्रश्न मत पूछा करो, फरीदी झल्ला कर बोला। प्रोफेसर रॉक की कोठी के बरामदे में अंधेरा था। फरीदी ने टॉर्च जलाई। अंदर जाने वाला दरवाजा खुला हुआ था। फरीदी ने बटन को दबाया। घंटी की आवाज कोठी के अंदर गूंजने लगी। 2 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद भी अंदर से कोई बाहर नहीं आया। क्या बात है, हमीद ने आश्चर्य से पूछा। फरीदी ने टॉर्च जलाकर हमीद को अपने पीछे आने का संकेत किया। वो दोनों अंदर गए। घर की तमाम वस्तुएं उल्टी पड़ी थी। दोनों ने तमाम कमरे छान डाले, मगर प्रोफेसर रॉक का कहीं पता नहीं चला। प्रोफेसर कहाँ गया, हमीद ने पूछा। फरीदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो फर्श पर बिखरे हुए सामानों को ध्यान से देख रहा था। उसने फिर रॉक को तलाश करना आरंभ कर दिया और थोड़ी देर के बाद उसे पा लिया। वो मैले कपड़ों के ढेर के नीचे औंधा पड़ा हुआ था। रॉक मूर्छित पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर खरोचे थी जिनसे रक्त बह रहा था और सांस रुक रुक कर आ रही थी। हमीद ने चकित होकर फरीदी की ओर देखा। इसे खुली हवा में ले चलो, फरीदी बोला। मैं 2-1 कंबल तलाश करता हूँ। हमीद रॉक को उठाकर बरामदे में लाया। इतने चतुर लोग, कमाल है, फरीदी बोला और प्रोफेसर रॉक का शरीर कंबल से ढक दिया। केवल मुंह खुला रहने दिया। आखिर इस पागल का उस मामले से क्या संबंध हो सकता है, हमीद ने पूछा। कदाचित उन्हें किसी वस्तु की तलाश रही होगी। वह पत्र तो नहीं जो आज ही आप इससे ले गए थे? नहीं, वह पत्र बेकार है। उससे अपराधियों का पता नहीं लग सकता। फरीदी रॉक की मूर्छा दूर करने की चेष्टा आरंभ कर दी और थोड़ी देर के बाद रॉक की बेहोशी दूर हो गई। पहले तो वो पड़ा पड़ा आंखें झपकाता रहा, फिर बौखलाकर उठ बैठा। ओह, आखिर वह फरीदी पर गिरकर कांपने लगा। क्या बात है, फरीदी ने उसे देखते हुए कहा। क्या तुमने उन्हें पकड़ लिया, रॉक कांपता हुआ बोला। किसे? वो 5 थे। मैं नहीं जानता कि वो मुझसे क्या चाहते थे। उन्होंने मेरा गला घोट दिया था। क्या तुम उन्हें पहचानते हो? मुझे उन सभी की आवाजें जानी पहचानी मालूम हो रही थी, लेकिन मैंने उनके चेहरे नहीं देखे क्योंकि वह कपड़ों से छिपाए हुए थे। आवाज से भी नहीं पहचान सके, फरीदी ने पूछा। मैं घबरा गया था। मैं कभी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ा था। ऐसी परिस्थिति में जो भी होता घबरा जाता। उन्होंने तुमसे क्या प्राप्त करना चाहा था? कुछ नहीं, बस आते ही मुझ पर टूट पड़े। जब तक मुझ में शक्ति थी तब तक मैं उनका सामना करता रहा। फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। कदाचित वह वही पत्र लेने आए थे जो आज ही तुम मुझसे ले गए थे।
अच्छा अंदर चलो, फरीदी हाथ पकड़कर उसे उठाता हुआ बोला। अंदर आकर जब प्रोफेसर रॉक ने घर की दशा देखी तो चिल्लाने लगा। बड़ी कठिनाई से हमीद और फरीदी ने उसे चुप कराया। मैं पागल हो जाऊंगा, रॉक अपने सर का बाल नोचता हुआ बोला। आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। ग्रेटा से प्रेम करना सरल नहीं है प्रोफेसर, हमीद बोला। ग्रेटा? रॉक उछल पड़ा। उसका इस मामले से क्या संबंध? तुम नहीं समझ सकते, हमीद बोला। आओ चले, फरीदी ने हमीद से कहा। नहीं, तुम मुझे इस दशा में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, रॉक बोला। पुलिस से सहायता प्राप्त करो, फरीदी ने लापरवाही से कहा। जितनी देर में पुलिस आएगी उतनी देर में तो वो मुझे। बच्चे मत बनो प्रोफेसर, फरीदी बोला। अगर वो तुम्हारी जान ही लेना चाहते तो फिर तुम्हें जीवित क्यों छोड़ देते? संभव है उन्होंने यही समझ लिया हो कि मैं मर चुका हूँ। फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या इतना भी नहीं कर सकते कि अपने कार में बैठाकर मुझे कोतवाली पहुंचा दो? अच्छा चलो बाबा, फरीदी ने तंग आकर बोला। प्रोफेसर रॉक ने मकान में ताला लगा दिया और गाड़ी में बैठकर कोतवाली की ओर चल पड़ा। फरीदी झल्ला उठा था। संयोग से मार्ग में पुलिस पेट्रोल कार मिल गई। फरीदी ने उसे रुकवा कर रॉक को कोतवाली तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। लेकिन मैं वहां कहूंगा क्या, रॉक ने फरीदी से पूछा। यही कि तुम्हारे घर में कुछ नकाबपोशों ने घुसकर तुम पर आक्रमण किया, फरीदी धीरे से बोला, और उनमें से एक कैलब था। कैलब? रॉक उछल पड़ा। तुमने ठीक कहा ऑफिसर, उनमें से अवश्य एक कैलब था। ठीक उसी की आवाज थी, अब मुझे याद आया। अच्छा अब जाओ। पेट्रोल कार चली गई। वो दोनों फिर कैडी में बैठ गए। बड़ी सर्दी लग रही है, हमीद बोला। क्या चाहते हो? गर्म गर्म कॉफी। चलो आर्लिंगटन होटल चल रहे हैं। खुदा आपका मूड हमेशा ऐसा ही रखे, हमीद खुशी से बोला। मेरा मूड अच्छा नहीं है। मैं भी जानता हूँ आपको चोट पर चोट हो रही है। हाँ लेकिन इतना समझ लो कि अपराधी अब बिल्कुल बौखला गए हैं। होंगे, हमीद बोला। मेरे दिमाग में केवल एक ही प्रश्न है। क्या? डॉक्टर रशीद की लाश कब्र से क्यों निकाली गई और उस सड़ी हुई लाश से गोश्त क्यों काटा गया? मिस्टर हमीद, इसी प्रश्न का उत्तर मेरे पास भी नहीं है। पहले तो मैंने ये सोचा था कि अपराधियों ने हमें उलझाने के लिए ऐसा किया था, मगर अब इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा ये तो बताइए कि आप कैलब के पीछे क्यों पड़ गए हैं, हमीद ने पूछा। प्रकट है कि प्रोफेसर राग की रिपोर्ट पर पुलिस उसकी अच्छी तरह मरम्मत करेगी। पुलिस उस कैलब तक तो पहुंच न सकेगी जो इन तमाम फसादों की जड़ है। और तुम उस कैलब को क्या समझते हो जिससे हम अभी मिलकर आ रहे हैं, फरीदी ने मुस्कुराकर पूछा। एक सभ्य नौजवान जो किसी कारण अपराधियों का साधन बन गया है, फरीदी हंस पड़ा मगर कुछ बोला नहीं। हमीद ने भी सोचा कि जब तक गर्म गर्म कॉफी नहीं मिलती तब तक के लिए चुप रहना ही अधिक अच्छा है। आरएचएन पहुंचकर दोनों एक कैबिन में बैठ गए। हमीद ने कैबिन का पर्दा इसलिए नहीं खींचा कि ऐसी दशा में वह सामने वाले कैबिनों में नजाराबाजी नहीं कर सकेगा, जहां उसे कई सुंदर लड़कियां दिखाई दे रही थी। ये लड़कियां सर्दियों में भी सुंदर ही रहती है, उसने फरीदी से कहा। फिर सहसा चौंक कर बोला, वाह अब तो इस होटल में बुरके भी दिखाई देने लगे हैं। फरीदी ने सामने की ओर देखा। एक विचित्र जोड़ा सामने वाले कैबिन में बैठ रहा था। एक औरत जो मुंह पर बुरका डाले हुए थी और दूसरा मर्द जो काले रंग का सूट पहने हुए था, किंतु उसके चेहरे पर ठीक एक धार्मिक मुसलमान के समान दाढ़ी और मूछें थी। उस औरत ने बैठते ही अपने मुंह से नकाब उलट दिया और हमीद के मुख से एक मंद सी चीख निकल पड़ी। हम लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं, हमीद बोला। उसके आवाज में कंपन था। हम दोनों गधे हो गए हैं, फरीदी बोला। यह औरत शत प्रतिशत ग्रेटा मालूम होती है। ताड़ी वाले ने उठकर कैबिन का पर्दा खींच दिया। हमीद की सांस फूल रही थी। थोड़ी देर के बाद जब हमीद जरा संभला तो उसने फरीदी से पूछा, ये सब क्या है? लौंडापन। क्या मतलब? मैं ठीक कह रहा हूँ, अब अपराधी इतनी तेज दौड़ने लगे हैं कि एक साधारण सी भूल भी उन्हें मुंह के बल जमीन पर ले आएगी। मैं अब भी नहीं समझा, हमीद बोला। क्या तुम ये समझते हो कि यह ग्रेटा है? हमीद मैं सच कहता हूँ कि अपराधी बुरी प्रकार बौखला गए हैं। अपनी समझ से वह मुझे चोट पर चोट दे रहे हैं और कदाचित वह यह भी समझ रहे होंगे कि वह मुझे पराजित कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि यह बहुत ही अच्छा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि वह लोग इसी भ्रम में पड़े रहे। देखिए अब अधिक दूरदर्शिता से काम न लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि हमें अफसोस करना पड़े। क्यों? फरीदी उसे घूरने लगा। अब यही देखिए कि आपने केवल अपनी दूरदर्शिता के आधार पर उन तीनों कैलबों से हाथ धो लिया। ओ तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इन दोनों को इसी समय यही पकड़ लूं? मैं तो यही राय दूंगा।
क्योंकि इनके द्वारा हमें दूसरों का भी पता लग सकता है। तो फिर तुम ये चाहते हो कि दूसरे लोग हम पर हंसे? आखिर आपके दिल में क्या है? हमीद ने पूछा। मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वह सामने वाले कैबिन में है। हमीद, अगर मैंने इन्हें पकड़ लिया तो हमारे ऑफिसर हमें हंसी में उड़ा देंगे। क्यों? कारण भी तो बताइए। ये दोनों बहरूपी है, उसे औरत मत समझो, वह एक लड़का है और दाढ़ी वाला उसका बाप है। कुछ दिनों पहले ये दोनों एक रियासत में दरबारी मस्करे थे। रियासतों के टूटने के बाद इनका रोजगार मारा गया। अब ये शहरों के अमीर लोगों के यहाँ स्वांग भर कर थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। आपको विश्वास है? बिना विश्वास के मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इसका तात्पर्य? फरीदी ने तत्काल ही उत्तर नहीं दिया, वो किसी सोच में पड़ गया था। आखिर उसने कहा, तात्पर्य भी समझा जा सकता है, लेकिन इसके लिए इनका पीछा करना होगा। तो हर्ज क्या है? मैं इसे आवश्यक नहीं समझता। मैं तो पीछा करूंगा, हमीद बोला, किंतु प्रत्येक क्षण तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुमने अपनी इच्छा से ऐसा किया है। मैं किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं बनूंगा। आप चिंता मत कीजिए, हमीद लापरवाही से बोला, मुझे दूरदर्शिता से अधिक दिलचस्पी नहीं है। बात वास्तव में यह थी कि हमीद को फरीदी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। बाप और बेटा, स्त्री पुरुष के रूप में, इस बात को सुनकर उसका दिल चाहता कि दिल खोल कर हंसे और फरीदी का मजाक उड़ाए। एक बात उसके सामने यह भी थी कि अगर वे दोनों बहरूपी है तो फिर औरत को बुरका पहनने की क्या जरूरत थी, और इसी आधार पर उसने उनका पीछा करने का निश्चय किया था। थोड़ी देर के बाद उस कैबिन का पर्दा सरका और वह दोनों स्त्री पुरुष बाहर आए। अच्छा कर्नल साहब, हमीद उठता हुआ बोला, मैं तो चला। फरीदी भी मुस्कुराता हुआ उड़ गया, और जब ये दोनों बाहर आए तो वो स्त्री पुरुष कंपाउंड में खड़ी हुई एक लंबी सी कार में बैठ रहे थे। गाड़ी तुम चलाओगे? फरीदी बोला, मैं जरा पिछली सीट पर आराम से बैठूंगा। हमीद ने स्वीकार कर लिया और फरीदी पिछली सीट पर इस प्रकार लेट गया मानो बहुत थक गया हो और अब जरा सोना चाहता हो। लंबी कार सड़क पर आ गई, उसे एक लड़की चला रही थी, जो पहले से ही उस कार पर मौजूद थी। कार बड़ी तेजी से जा रही थी, ऐसा लग रहा था मानो उन्हें बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है। थोड़ी देर के बाद कार शहर से निकलकर एक सुनसान सड़क पर आ गई। हमीद इस समय अपने आप को किसी फिल्म का हीरो समझ रहा था। उसने कैडिलाक की अगली बत्ती बुझा दी थी और उसकी नजर अगली कार की पिछली लाल बत्ती पर थी। सहसा उसे ऐसा लगा जैसे वो प्रकाश में नहा गया हो। वह चौंक कर मुड़ा और फिर बौखला गया। केडी से थोड़े ही पीछे एक ही पंक्ति में उसे तीन कारों की हेडलाइट दिखाई पड़ रही थी। तीन कारें बराबर से चली आ रही थी और इस प्रकार उन्होंने सड़क की पूरी चौड़ाई घेर रखी थी। हमीद के हाथों के तोते उड़ गए। अब उसकी समझ में आया कि फरीदी की बातों का क्या अर्थ था। बड़े बाप, वह कांपते हुए स्वर में चीखा, क्या सो गए? लेकिन जैसे ही उसने पिछली सीट पर नजर डाली, रहा सहा धैर्य भी जाता रहा क्योंकि सीट खाली थी। अगली कार काफी दूर निकल गई थी और पिछली कारें सर पर चढ़ी आ रही थी। सड़क के दोनों ओर दूर तक खाइयों और गड्ढों का क्रम चलता गया था, नहीं तो हमीद कैडी को इधर उधर मोड़ कर भी इस विपत्ति से छुटकारा प्राप्त कर सकता था। उसने बौखलाहट में कैडी की अगली दोनों बत्तियां जला दी और सामने नजर पड़ते ही उसका हाथ पाव फूल गए। दिमाग सनसनाने लगा क्योंकि अगली कार सड़क पर आड़ी खड़ी हो गई थी और इस प्रकार आगे जाने का मार्ग भी बंद कर दिया गया था। हमीद को विश्वास हो गया कि अब जान नहीं बचेगी। सबसे बड़ी विपत्ति तो यह थी कि उसके पास पिस्तौल भी नहीं था और घेरा गुड़ हो चुका था। उसने बड़ी फुर्ती से इंजन बंद किया और केड़ी से एक खाई में कूद गया। कई फायर हुए। अगर हमीद को एक सेकंड भी देर हुई होती तो उसका शरीर छलनी हो गया होता और ढलान में दौड़ता चला गया। उसके पीछे भी कई आदमी दौड़ रहे थे। अगर हमीद के पास रिवॉल्वर होता तो वो इस प्रकार नहीं भागता। पीछे से फायर भी होते जा रहे थे। अंत में हमीद पर एक स्थान पर सरकंडों में छिप गया और फिर उसने अपने पास ही पदध्वनि सुनी, पैरों की आवाज सुनी। डरो नहीं, किसी ने अंग्रेजी में कहा, उनके पास रिवॉल्वर नहीं है, वरना वह अभी अवश्य फायर करते। मेरा विचार है कि वह कहीं पास ही में छिपे है, किसी ने कहा। ये देखो, ये टूटे हुए सरकंडे, चलो यहाँ खड़े होकर फायर करो। हमीद ने घबराकर आगे छलांग लगाई और फिर उसे ऐसा लगा मानो उसकी खाल फट जाएगी। वह बर्फ के समान ठंडे पानी में गोते खा रहा था। कदाचित वह कोई तालाब था। 6-7 फायर एक साथ हुए और हमीद के कानों में सीटियां बजने लगी। फिर उसे कुछ याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक कमरे में पलंग पर लेटा हुआ पाया। उसने अपने सामने उसी लड़की को बैठा हुआ पाया जो अगली कार चला रही थी। उसने हमीद को होश में देखकर फौरन ही घंटी बजाई और उसी समय एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। हमीद उसे देखते ही चौंक कर उठ बैठा।
ये आदमी वही कैलब था जिसने अपने आप को स्टार इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बताया था और यह बयान दिया था कि उसका फ्लैट पिछले एक महीने से बंद पड़ा था। तुम्हें आश्चर्य होगा, कैलब मुस्कुराकर बोला। हमीद शीघ्र ही संभल गया। उसे विश्वास हो गया था कि जब वह गोलियों के घेरे से बच निकला तो अब नहीं मर सकता। दूसरे फरीदी के अचानक गायब हो जाने के कारण उसे और भ्रम हो गया था। ग्रेटा के सर्टिफिकेट फरीदी क्यों ले गया था, कैलब ने पूछा। इसका उत्तर वही देंगे, अगर तुम सच सच बताओ तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सच? हमीद ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। हाँ, तो फिर तुम मुझे एक पिस्तौल देकर इस इमारत से निकाल दो और मैं 200 गज के फासले से इसका उत्तर देकर अपनी राह लूंगा। समय नष्ट मत करो। सुनो कैलब, मैं इतना मूर्ख नहीं कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देकर सदा के लिए मौन हो जाऊं। अच्छा, ये बता दो कि फरीदी कहाँ गया। वो मेरे साथ नहीं थे। गलत, बिल्कुल ठीक, वह शहर ही में उतर गए थे। उन्होंने मुझे भी पीछा करने से रोका था। कैलब कुछ कहने ही जा रहा था कि दो एंग्लो इंडियन कमरे में आए। क्या आ गए, कैलब ने उनसे पूछा। हाँ, उनमें से एक बोला। उठो, कैलब ने हमीद से कहा। हमीद उठ गया। वह ऐसी परिस्थिति में झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था। वह एक बड़े कमरे में आए। हमीद ने आश्चर्य से कमरे के सामान को देखा। चारों ओर नाना प्रकार के औजार और आले दिखाई दे रहे थे। कदाचित यह किसी वैज्ञानिक का अनुभवशाला थी। अचानक सामने वाले दरवाजे का पर्दा हटा और हमीद चीख पड़ा। उसके सामने प्रोफेसर रॉक खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्यों बे केचुए, रॉक हंसकर बोला। मैंने कहा था ना कि अगर तुम केचुए के बच्चे की पीठ पर पूरी शक्ति से भी खड़े हो जाओ तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम या फरीदी जैसे केचुए मुझसे टक्कर नहीं ले सकते, समझे। मैं हूँ प्रोफेसर रॉक, उस नखों वाली बीमारी का जन्मदाता। नखों वाली बीमारी, हमीद बड़बड़ाया। हाँ, मैं इस शताब्दी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हूँ। मैं बीमारियों को जन्म दे सकता हूँ और चुटकी बजाते बजाते संसार के बड़े बड़े आदमियों को मौत के घाट उतार सकता हूँ। क्या तुमने अपने देश के विद्वानों को कुत्ते की मौत मरते नहीं देखा? लेकिन तुमने उन्हें मारा क्यों, हमीद ने पूछा। केवल इसलिए कि मैं एशिया के काले जानवर को प्रगति की ओर बढ़ते हुए नहीं देख सकता। तुम जो सदियों से हमारे गुलाम रहे हो, हमारे आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे जीवन का केवल एक ही ध्येय रहा है कि वह यह कि तुम काले पशुओं को आदमी न बनने दो, समझे। तो क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ हूँ? मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम किस प्रकार लोगों की जान लेते हो, हमीद आवेश में बोला। से जरा मैं भी सुनूं, रॉक मुस्कुराकर बोला। रंगीन कैप्सूलों द्वारा जो सोडा बाइकार्ब मिले हुए पानी में नहीं घुलते, किंतु शराब में फौरन ही घुल जाते हैं, चाहे उसमें जितना भी सोडा मिला हुआ हो, समझे। रॉक की आंखें फैल गई। और बताओ, हमीद बोला, तुम्हारी आज दिन भर की उछल कूद का तात्पर्य केवल यही था कि हम लोग बौखला जाए और तुम हमें ग्रेटा के पीछे लगाकर हमें फांस लो। लेकिन फरीदी धोखा नहीं खा सकता, वो तुम्हारे चूहेदान में नहीं फंसा। इसका तो तुम्हें काफी दुख होगा। क्यों? उसके नख भी शीघ्र ही खड़े हो जाएंगे, रॉक मुस्कुराकर बोला। इस समय तो तुम मरने के लिए तैयार हो ही जाओ। रॉक ने शीशे के बर्तन से सिरिंज निकाली। डरो मत, रॉक ने सिरिंज में इंजेक्शन लगाने वाली सुई फिट करते हुए कहा। तुम्हारे बाद फरीदी का भी नंबर आएगा, तुम अकेले नहीं रहोगे। हमीद कांप उठा। कमरे में रॉक के अतिरिक्त 8 एंग्लो इंडियन और थे जिनके हाथों में पिस्तौल थे, मगर हमीद चूहों की मौत मरना तो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो फरीदी का शिष्य और साथी था। उसने पास ही खड़े हुए एक एंग्लो इंडियन पर छलांग लगाई, किंतु प्रथम इसके कि वह उसके पिस्तौल पर अधिकार प्राप्त करता, शेष 7 उस पर टूट पड़े। ओह, रॉक हंसता हुआ बोला, तुम्हें अब भी विश्वास है कि तुम बचकर निकल जाओगे? इधर देखो, ये रहा तुम्हारा काल। रॉक ने शीशे का एक मर्तबान उठाया। मर्तबान में एक गंदे रंग का तरल पदार्थ था। रॉक बोला, इस मर्तबान में जो अर्क है उसमें वही कीटाणु है जिसका जन्मदाता मैं हूँ, और इन्हीं कीटाणुओं को कैप्सूलों द्वारा शराब में मिलाकर मैं लोगों की जाने लेता रहा हूँ। केचुए, तुम्हें डॉक्टर रशीद की सड़ी हुई लाश का मांस काटने पर आश्चर्य अवश्य हुआ होगा, लेकिन कदाचित तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि यह कीटाणु सड़े हुए मांस ही में पैदा होते हैं और उसी में जीवित भी रहते हैं। यह अर्क जो देख रहे हो उसी सड़े हुए मांस का अर्क है। रॉक ने सिरिंज को मर्तबान में डालकर उसमें अर्क खींचा और फिर सिरिंज को अपने चेहरे के बराबर लाकर उसमें आए हुए अर्क को देखा और फिर बोला, मुझे तुम दोनों का पहले ही इंतजाम करना चाहिए था। तुम मुझे नहीं मार सकते,
हमीद चीखा। रॉक खिलखिलाकर हंस पड़ा और साथ ही अपने आदमियों को संकेत भी किया, इसे जमीन पर गिरा दो। आठों आदमियों ने हमीद को जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया और उसको हर तरफ से दाब कर बैठ गए ताकि वह हिलने डुलने न पाए। रॉक सिरेन संभाले हुए हमीद की ओर बढ़ा और फिर वह झुककर हमीद की दाहिनी भुजा में उस खतरनाक अर्क का इंजेक्शन देने ही जा रहा था कि अचानक सिरेंज उसके हाथ से उड़ गई और पूरा कमरा एक फायर की आवाज से झनझना उठा। रॉक उछलकर पीछे हट गया। फरीदी हाथों में एक टॉमिकन लिए दरवाजे में खड़ा था। अलग हटो तुम लोग, उसने उन लोगों से कहा जो हमीद को दबाए हुए थे। उनमें से एक ने पिस्तौल निकालना चाहा किंतु टॉमिकन से 3-4 गोलियां निकलकर उसके शरीर में धस गई। सबका यही अंजाम होगा, फरीदी ने गरज कर कहा, वरना जो कुछ मैं कहूँ बस चुपचाप करते जाओ। नहीं प्रोफेसर, अगर तुम जरा भी हिले तो गोलियों से तुम्हारा शरीर छलनी हो जाएगा। अपने हाथ ऊपर उठाए रखो। सातों एंग्लो इंडियन अलग हट गए। अब तुम सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, ठीक मेरे सामने, जल्दी करो। तुम यहां से बचकर नहीं निकल सकते, प्रोफेसर चिल्लाया। हमीद, इन सबके रिवॉल्वर छीन लो, फरीदी बोला। हमीद ने सबके रिवॉल्वर ले लिए। अब तुम रिवॉल्वर तान कर मेरे सामने खड़े हो जाओ, फरीदी ने हमीद से कहा। क्यों? हमीद चौंक पड़ा। इसलिए कि मैं दरवाजे में खड़ा हूं और मेरी नजर केवल सामने है और सामने ही रहेगी, क्योंकि सामने से नजर हटा लेना खतरे से खाली नहीं है। इन हथियारों से किसी प्रकार की आशा रखना मूर्खता है। मैं अपने पीछे नहीं देख सकता, इसलिए मेरे पीछे तुम्हें नजर रखनी है। संभव है इसका कोई साथी पीछे से मुझ पर वार कर बैठे। अंततः इसका उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है और मैं प्रोफेसर से कुछ बातें करने जा रहा हूँ। हमीद ने फरीदी की आज्ञा का पालन किया। हाँ प्रोफेसर, फरीदी ने रॉक को संबोधित किया, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत बुद्धिमान और चतुर हो। तुमने हमने फांसने के लिए जो प्लान बनाया था वह प्रशंसनीय था, मगर चालाक अपराधी भी किसी न किसी अवसर पर धोखा खा ही जाता है। तुमने भी धोखा खाया, तुम्हारी अंतिम चाल असफल हो गई। वैसे कि तुमने उस बहरूपियों से सहायता प्राप्त की जिनके साथ पुश्तों को मैं जानता था। ग्रेटा को तो तुम्हें बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। इस प्रकार की मुक्तता तो केवल जासूसी उपन्यासों में पाई जाती है, जिनमें ब्लेश मात्र भी सच्चाई नहीं होती, केवल लेखक की अपनी भावना होती है। और हाँ, तुम अभी हमीद पर अपने इस आविष्कार का रोप डाल रहे थे, क्या सचमुच ये तुम्हारा आविष्कार है? हाँ, प्रोफेसर रॉक गरज कर बोला। आविष्कार मत कहो प्रोफेसर, हाँ अनुसंधान कह सकते हो। अनुसंधान क्या मतलब? रॉक गुर्राया। हाँ ये तुम्हारा अनुसंधान ही है, फरीदी बोला। हाँ तुम्हारा यह कार्य अवश्य प्रशंसनीय है कि तुमने इन कीटाणुओं को सोडा बाइकार्ब मिले हुए पानी में जीवित रखने का ढंग मालूम कर लिया है, वरना ये कीटाणु केवल मनुष्य के सड़े हुए मांस में जीवित रहते हैं और उसी में उत्पन्न भी होते हैं। तुम कैसे जानते हो? प्रोफेसर रॉक भर्राई हुई आवाज में बोला। टॉमिकन से अधिक फरीदी के शब्दों ने उस पर प्रभाव डाला। उसका मुंह पीला पड़ गया। फरीदी मुस्कुराते हुए बोला, और उसी के अनुसार तुमने ऐसे कैप्सूल बनाए जो सोडा बाइकार्ब मिले हुए पानी में न घुल सके। तुम इन कीटाणुओं को उन्हीं कैप्सूलों में रखकर शराब के गिलास में डलवा देते थे और फिर वह कैप्सूल शराब में घुल जाते थे। शराब में चूंकि सोडा भी मिलाया जाता है, इसीलिए कीटाणु उसमें जीवित रहते हैं। सोडा बाइकार्ब के कारण उन पर स्प्रिट की तेजी भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती और वह अपना काम कर जाते हैं। मगर तुम गोरे रंग के सुअर हो, तुम बहुत बड़े बेईमान हो। तुम इन कीटाणुओं को आज जन्मदाता अपने आप को बताते हो। अच्छा सुनो, आज एक काली नस्ल का जानवर तुम्हें इन कीटाणुओं का इतिहास बताने जा रहा है। तुम्हें एक काले हिंदुस्तानी से इसकी आशा तो न होगी, मगर इतना याद रखो कि अब हमारा जमाना आ रहा है। फरीदी थोड़ी देर के लिए रुका, फिर बोला, ये 19वीं शताब्दी की बात है। अफ्रीका के जोलोलैंड नरेश पिंड में के लड़कों ने आपस में युद्ध किया। कई दिनों तक घमासान लड़ाई होती रही और फल ये हुआ कि हजारों आदमी मारे गए, जिनकी लाशें मैदानों और गढ़ों में सड़ती रही। पादरी मिकाइल की पार्टी मानवता के उस अपमानजनक दृश्य को देखने के लिए जब वहां पहुंची तो उसे उन्हीं सड़ी और दुर्गंधित लाशों के बीच से होकर जाना पड़ा और पार्टी के 3 आदमियों को नखों वाली बीमारी हुई और वह वही मर गए। मिकाइल डॉक्टर भी था। उसने उस नई बीमारी का कारण जानना चाहा। उसने उस बीमारी के संबंध में छानबीन आरंभ कर दी और इस निश्चय पर पहुंचा कि वहां उगने वाली एक विशेष प्रकार की घास मनुष्य के सड़े हुए मांस से मिलकर यह फल उत्पन्न करती है। इस अनुसंधान का सेहरा पादरी मिकाइल के सर पर है। उसके बाद फिर कदाचित तुमने ही नवीन ढंगों से उस पर रिसर्च किया है, समझे प्रोफेसर? तुम जैसे बुद्धिमान और विद्वान मनुष्य को इतना छिछोरा नहीं होना चाहिए। पादरी मिकाइल की कृतियों पर इस प्रकार डाका डालना ठीक नहीं।
रॉक कुछ नहीं बोला। फरीदी कुछ क्षण तक चुप रहने के बाद फिर बोला, तुमने आज का प्लान बड़ी बुद्धिमानी से तैयार किया था, किंतु उसी के साथ मेरे मस्तिष्क में भी एक प्लान बन रहा था और उसी के फलस्वरूप तुम मुझे यहाँ देख रहे हो। नहीं तो भला मैं इस इमारत तक कैसे पहुंच सकता? ये इमारत जो यहाँ जंगल में केवल इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ जड़ी बूटियों के अनुसंधान का कार्य होगा, और ये बात आज ही मुझे मालूम हुई है कि इस इमारत से तुम्हारा इतना गहरा संबंध है। और प्रोफेसर, मैं तुम्हारी ही कार में यहाँ तक आया हूँ। तुम झूठे हो, रॉक चीखा। विश्वास करो प्रोफेसर, मैं शहर से निकला ही नहीं, मैं शहर ही में अपनी कार से इस प्रकार चुपके से उतर गया कि हमीद को पता भी नहीं चल सका। फिर सबसे पहले मैंने ये किया कि कोतवाली में तुम्हें 2 घंटे तक रुकवाए रखा, और इतनी देर में मैंने सब व्यवस्था ठीक कर ली। फिर मेरे लिए उस कार की स्टेपनी खोलकर उसमें बैठ जाना कोई मुश्किल काम नहीं था जो प्रिस्टन के चौराहे पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जानता था कि हमीद पकड़ लिया गया होगा और तुम कोतवाली से छुट्टी पाते ही सीधे वही जाओगे जहां हमीद को रखा गया होगा। लेकिन प्रोफेसर, अगर तुम्हें ये मालूम हो गया होता कि फरीदी नहीं पकड़ा गया है तो तुम कभी इधर नहीं आते। मुझे दुख है प्रोफेसर कि तुम अपनी एक मूर्खता के कारण आज यह दिन देख रहे हो। तुमने स्वयं नियाग्रा होटल के मैनेजर से ग्रेटा के लिए सिफारिश करके बहुत बड़ी भूल की, और इसी आधार पर मुझे तुम पर संदेह हुआ और मैं तुम्हारे फेर में पड़ गया। अगर तुमने ये काम किसी दूसरे से लिया होता तो मैं कभी तुम तक नहीं पहुंच सकता था। सहसा फरीदी की टॉमिकन से 3-4 गोलियां निकली और एक एंग्लो इंडियन ढेर हो गया। वास्तव में उसका एक हाथ नीचे गिर गया था। तुम सब इस बात का ध्यान रखो, फरीदी लापरवाही से बोला। फिर रॉक को संबोधित किया, प्रोफेसर मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता बल्कि एक सौदा करना चाहता हूँ। अगर तुमने मान लिया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकल जाने दूंगा। कैसा सौदा? प्रोफेसर रॉक ने जल्दी से पूछा। तुम मेरे लिए एक सर्टिफिकेट लिख दो। कैसा सर्टिफिकेट? बस तुम यह लिखकर दे दो कि नखों वाली बीमारी के प्रति जो छानबीन फरीदी ने की है मैं उससे सहमत हूँ और संतुष्ट भी। फरीदी कीटाणुओं का विशेषज्ञ है, उसने इन कीटाणुओं की उत्पत्ति का जो आविष्कार किया है वह आश्चर्यजनक तथा एशिया वालों के लिए गौरवपूर्ण है। इससे तुम्हारा मतलब? रॉक ने पूछा। बस इसे एक ऐसी रिश्वत या घूस समझ लो जिसके बदले तुम छोड़ दिए जाओगे। बड़ी देर के हाँ नहीं के बाद रॉक इस पर तैयार हो गया। हमीद, फरीदी ने उसे संबोधित करके कहा, मेरी जेब से फाउंटेन पेन और दस्तावेज का एक कागज निकालकर प्रोफेसर को दे दो, मगर रिवॉल्वर की नाल सामने ही रखना। ये आप क्या करने जा रहे हैं? हमीद बौखला गया। चुप रहो, तुम नहीं समझते, मैं इस अनुसंधान को दूसरा रूप देकर लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा। रॉक ने कलम उठाया और लिखने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर फिर रुककर कुछ सोचने लगा। उसने एक बार फिर फरीदी की ओर संदिग्ध नजर से देखा। लिख दो प्रोफेसर, या फिर हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाओ, रॉक विवश होकर लिखने लगा। अभी वह एक पंक्ति भी नहीं लिख पाया था कि एक धमाके के साथ फाउंटेन पेन फट गया और साथ ही एक तीव्र प्रकाश की किरण रॉक के चेहरे पर लगी और उसने चीख कर अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। एक एंग्लो इंडियन फरीदी की ओर झपटा, मगर टॉमिकन की गोलियों ने उसे भी जमीन पर गिरा दिया। फरीदी इस समय राक्षस का रूप धारण कर चुका था कि आंखें इस प्रकार लाल हो रही थी मानो आग के अंगारे हो। अचानक प्रोफेसर रॉक चीखने लगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा। फरीदी, सुअर के बच्चे, तूने मुझे अंधा कर दिया। तुम तो अभी थोड़ी देर पहले बड़े अच्छे मूड में थे प्रोफेसर, फरीदी ने व्यंग करते हुए कहा। तुम अपने आविष्कार का रोप डाल रहे थे ना, इसीलिए मैंने भी सोचा कि तुम्हें भी मैं अपने एक तुच्छ आविष्कार का चमत्कार दिखा दूं। ये केवल 1 घंटे के परिश्रम का फल था प्रोफेसर, अगर थोड़ा समय और लगा देता तो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी अंधी हो जाती। फिर उसने हमीद से कहा, उस अलमारी के पीछे हथकड़ियां है, इन 5 सभ्य पुरुषों को उनकी आवश्यकता है। रॉक मेज पर सर औंधाए चुपचाप बैठा था। जब हमीद उनकी हथकड़ियां लगा चुका तो उसने फरीदी से कहा, यहाँ एक लड़की भी थी जो उस कार को ड्राइव कर रही थी जिस पर वो दोनों वह बहरूपिये बैठे थे। लड़की? फरीदी मुंह बनाकर बोला, वह दूसरे कमरे में बेहोश पड़ी है। सहसा प्रोफेसर रॉक उछलकर खड़ा हो गया और फरीदी को गालियां देने लगा। फरीदी हंसता रहा, फिर बोला, प्रोफेसर थोड़ी देर पहले तुमने एक ऐसे आदमी की जान लेने का प्रयत्न किया था जिसे मैं अपनी जान से भी अधिक प्यारा समझता हूँ। अब तुम अंधेरे में भटकते रहो, यही तुम्हारे लिए दंड है। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ जाऊंगा, पुलिस को तो कैलब की तलाश है और उसे मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। तुम्हारी स्कीमों को वही सफल बनाता था और मैं जानता हूँ कि वह एक युद्ध प्रेमी देश का एजेंट है, ऐसे युद्ध प्रेमी देश का एजेंट जो एशिया को पंगुल बना देना चाहता है, जो ये चाहता है कि एशिया कभी अपने पैरों पर खड़ा न हो सके, कभी प्रगति की ओर न बढ़ सके।
रॉक ने पागलों के समान चिल्लाना आरंभ कर दिया। फिर वह एक और बढ़ा, एक मेज उलट गई और शीशे के कई चीजें फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गई। रॉक उठकर दूसरी मेज पर जा बैठा। उसी मेज पर कीटाणुओं वाला वह मर्तबान भी था। मर्तबान उलट गया और रॉक के चेहरे पर कीटाणु मिला हुआ अर्क फैल गया। उसके मुंह से एक भयंकर चीख निकली और वह उछलकर एक दीवार से जा टकराया। उसकी अंतिम चीख बड़ी भयानक थी। वो 2-3 मिनट तक फर्श पर तड़पता रहा, फिर उसके हाथ पांव ऐंठ गए, उसके नख उंगलियों का मांस छोड़कर ऊपर उठ गए। चेहरा किसी मुर्दा बंदर का चेहरा मालूम होने लगा। उसकी वीरान आंखें छत पर लगी हुई थी, मुंह खुल गया था। कमरे के वातावरण पर दिल हिला देने वाली भयंकर शांति छाई हुई थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे फरीदी भी उसकी मौत से प्रभावित हो गया हो। वह सब चुपचाप खड़े थे और उनकी परछाइयां मिलजुल कर ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कालदेव की विकराल छाया दीवार पर स्थिर हो गई हो। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।